स्टार्ट कर। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? बढ़िया। ओके, आपका इनकम टैक्स खत्म हो गया? अच्छे से हो गया? हाँ हाँ, यस यस। एक आपका कोई एक दो लेक्चर्स बाकी है जो सर इन बिटवीन लेंगे। यस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी से। सो आर यू एक्साइटेड? चलिए तो हम बात करेंगे जीएसटी की। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ सी ए विशाल भट्टड़, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे आप जीएसटी के नाम से जानते हो, फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी। सो दोस्तों, यस, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था 2004 में। ठीक है, पहले हाँ हाँ, आप तब जब पैदा हुए थे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है 2004 में पहला बैच लिया था, वो मैंने हॉस्टल में लिया था, और कमर्शियली मैंने स्टार्ट किया था 2005 में। सो लगभग अब 20 इयर्स होते आ रहे हैं। और सब उन्होंने तो पार्टी हम देंगे, पर 25th ईयर में होनी चाहिए ना पार्टी। हाँ चलो, तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में आज जो है आप जीएसटी पढ़ रहे हो, लेकिन पहले अलग अलग लॉस थे। अगर कभी आपने सुना होगा तो एक्साइज, वैसे अभी एक्साइज पॉलिसी का खेल तो चल रहा है, आप देख रहे हो। हाँ, आज भी एक्साइज है कुछ गुड्स पे, जिसमें लीकर लीकर आज भी एक्साइज में हम जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले सारे गुड्स पे एक्साइज, वैट। वैट कभी सुना है आपने? वैल्यू एडेड टैक्स, फिर कस्टम्स, उसके बाद में जीएसटी नहीं था, जीएसटी 2017 में आया। जीएसटी 2017 में आया। तो चलिए दोस्तों, आपको एक पेपर है टैक्सेशन। टैक्सेशन में आपको टैक्स 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है और 50 मार्क्स का जीएसटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आईडीटी, करेक्ट। तो अगर हम सीए इंटर का पेपर 3 लें, तो जिसमें ग्रुप 1 टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपको कितने मार्क्स के लिए है? 50 मार्क्स के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं, वो भी 50 मार्क्स के लिए है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपने पढ़ा होगा क्या बेटा? इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो पहले एक्साइज, वैट और लॉ थे और जीएसटी 2017 से आया, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जितना आपका इंटर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत कुछ है जो फाइनल लेवल का भी है, पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जो केस लड़ी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, मैंने जो केस लड़ी कमिश्नर अपील्स में, वहाँ के भी एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी, ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये सब्जेक्ट हम इनडेप्थ पढ़ेंगे, जो आपको प्रैक्टिकली भी बहुत काम आएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, ऐसे जब आप आर्टिकलशिप में जाते हो, तो आर्टिकलशिप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपका एक अप्रोच जो होता है टैक्स की तरफ देखने का, वो ऐसा नहीं होता कि इतना पढ़ लो, इतना कर लो, या पॉइंट पॉइंट 5 पॉइंट्स लर्न कर लो, हो गया, इतना लिख लो, ऐसा नहीं है। आपका अप्रोच भी ऐसा होना चाहिए, या हो जाएगा धीरे धीरे, कि हम जो है यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिकली किस तरह से केसेस को हैंडल किया जाता है, इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत रहेगा। इनडेप्थ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जीएसटी जो है हमने पूरा, हमारे अराउंड 42 से लेके तो 45 सेशन के बीच में रहेंगे, डिपेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा 42 सेशन में, अगर लगे तो एक दो सेशन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये इतने सेशंस में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो। यस, तो दोस्तों यहाँ पे जनरली
जहां तक देखा जाए तो जीएसटी इनकम टैक्स के बाद समझना थोड़ा आसान होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि भाई जीएसटी अगर पहले से स्टार्ट हो तो जीएसटी समझ में नहीं आता है। जीएसटी वैसे भी टोटली अलग है इनकम टैक्स से, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस दोनों में टैक्सेशन मैकेनिज्म जो चलता है, लेवी मैकेनिज्म जो चलता है, ओके, प्रोसीजरल पार्ट थोड़ा बहुत कहीं कहीं सेम लगेगा, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट टोटली अलग है, ठीक है। इसलिए अगर आपने इनकम टैक्स के जो है कुछ पूरे लेक्चर्स आपके, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, अगर आपके यहाँ पे कुछ लेक्चर्स नहीं हुए होंगे या बैकलॉग रह गया होगा, तो अभी मैं ये कहूँगा कि वो बैकलॉग आपने बाद में कर लेना है। जीएसटी मेरे साथ जो है रेगुलर बेसिस पे, जो जिस दिन जो सेशन हुआ उस दिन का पढ़ाई आपको सेम डे कंप्लीट करना है और मेरे साथ कंप्लीट करना है। आर यू रेडी? चलिए, अब जीएसटी पढ़ाते वक्त आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा, क्योंकि ये जैसा कल भी हमारी बात हुई थी और मैं बता दूं, ये थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन है और आयुर्वेदिक से ज़्यादा होम्योपैथी है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह दूं कि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि स्लो चल रहा है, और कि स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है, ठीक है। लेकिन डरो मत, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि आज का सेशन भी आपका वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सेशन रहे, बहुत सारी नए बातें आप पढ़ो और हर दिन, ओके, आपको जीएसटी का सेशन ऐसा रहे कि यार ओके सब कुछ बाजू में, जीएसटी अच्छे से पढ़ लेते हैं और जीएसटी में मज़ा भी आ रहा है। ऐसी पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपका सब ये जो है सेशन इंटरेस्टिंग रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हमारे बेसिक डिस्कशन पे। पहले हाफ आवर में थोड़ा जीएसटी के बारे में बता दूँ, सिलेबस के बारे में बता दूँ, हम कैसे पढ़ने वाले हैं और आपको नोट्स कैसे मिलेगी इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, इंटर लेवल पे जैसे मैंने आपको कहा टैक्सेशन 50-50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पता है 30 मार्क्स का क्या होता है आपको एमसीक्यू। यानी अगर हम बात करें पेपर स्ट्रक्चर की, तो टोटल मार्क्स अगर ले तो 100 मार्क्स, जिसमें से एमसीक्यू जो होता है आपको 30 मार्क्स का होता है, और 70 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप फाउंडेशन के बाद जब इंटर में आ जाते हो तो इंटर में राइटिंग प्रैक्टिस स्पेशली फॉर दिस 70 मार्क्स आपका अच्छा होना जरूरी है। अब आपका पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर जीएसटी जो है क्या थ्योरेटिकल है? मैं कहूँगा कि जीएसटी मोर प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे लॉ आप जब पढ़ते हो तो थोड़ा थ्योरेटिकल टच आ जाता है, पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, ओके, पर जहां तक हम जीएसटी की बात करें तो आउट ऑफ 35 मार्क्स, सर ये 35 मार्क्स कहाँ से आए? 50 मार्क्स में से 15 मार्क्स का क्या निकल जाएगा? एमसीक्यू, ठीक है, और बाकी रहते हैं 35 मार्क्स। तो ये 35 मार्क्स जो है इसमें से अराउंड 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, पर उसकी नोट्स आप कैसे प्रेजेंट करते हो और कैसे लिखते हो, वहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो 35 मार्क्स के जो आ जाते हैं आउट ऑफ 35 मार्क्स 20 मार्क्स के आपको क्या आ जाते हैं बेटा? न्यूमेरिकल्स, और 15 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर कोई दिमाग में ये भ्रम पैदा करके रखा होगा कि जीएसटी बहुत थ्योरेटिकल है और बहुत हमें लर्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 15 मार्क्स के एमसीक्यू निकल जाएंगे, 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स पे हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन, उसके रिमार्क्स, उसके नोट्स, हमने कैसे लिखना चाहिए, मैं आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे बताऊंगा। और प्रेजेंटेशन स्किल ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे क्लास में, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सर जीएसटी में प्रैक्टिकली कुछ फॉर्म्स वगैरह पूछे जाते हैं क्या? जैसे जीएसटी में फॉर्म्स होते हैं GSTR1, कभी नाम सुना है GSTR1? ओके, जैसे GSTR1, GSTR3B या ओके यहाँ पे 2B का ऑटो अपडेटेड फॉर्म होता है, तो ऐसे कोई फॉर्म्स पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या? नहीं बेटा, इंटर लेवल पे इनकम टैक्स और जीएसटी में ऐसे कोई भी फॉर्म पे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। लेकिन मैं अपने क्लास में ये सारे फॉर्म्स आपसे फिलअप करवा के लूँगा, क्योंकि आप जो है अगर ये फॉर्म्स देखते हो और ये फॉर्म्स यहाँ पे जब आप खुद आइडेंटिफाई करोगे कि ये हर कॉलम का क्या ऑब्जेक्ट है, तो जीएसटी समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। और वन ऑफ द आपको कहो कि ये इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आप घर पे अगर आपके यहाँ बिजनेस है तो डेफिनेटली आप अपने
पापा को कहोगे कि नहीं नहीं ये अभी GSTR में ऐसा भरना है, इस टेबल में ऐसा पॉइंट आना चाहिए, इस टेबल में वैसा पॉइंट आना चाहिए, GSTR 3B में हमारा ओके ये एग्जम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई या वॉट एवर इट में भी RCM ऐसा होना चाहिए, आपके पापा आपको पूछे कि बेटा क्लास शायद अच्छा चल रहा है, हाँ वो तो क्लास तो लगा लिया आपने मेरे पास, ठीक है क्लास शायद अच्छा चल रहा है, ये तो डेफिनेटली आपको पूछेंगे। तो ये जो है हम प्रैक्टिकल अप्रोच से भी लेंगे। नाउ अराउंड यहाँ पे जब मैं आपको नोट्स बताऊंगा तो अराउंड 300 क्वेश्चंस मैंने इन एडिशन टू हमारे रेगुलर बुक्स के क्वेश्चंस, वो तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ओके अराउंड 300 एडिशनल क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चनर्स में दिए। वो एडिशनल क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, RTP के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, प्लस मैं आपको ये बता दूं मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस लेंगे। तो हमारा पूरा तरीका ऐसा होगा कि जो रेगुलर नोट्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए है वो तो हम साथ साथ में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सॉल्व तो करेंगे ही, साथ साथ में इस पर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ओके उस पर भी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि सर ये बताइए MCQ जो 15 मार्क्स के MCQ होते हैं वो कैसे हैंडल करना। मैं आपको ये बता दूं कि MCQ जो क्वेश्चंस है MCQ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और आज तक ऐसा हुआ है मतलब आप भी सीनियर से पूछ के ही मेरा क्लास ज्वाइन किए होंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है यहाँ पे कि आप MCQ बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। MCQ आपके लिए कोई टफ जॉब नहीं है, लेकिन यस कुछ MCQs पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको थोड़ा आप यूज टू हो जाओ MCQ से, और आपको ये भी समझ में आए कि जैसे इनकम टैक्स में आपने MCQ सॉल्व किए होंगे, लॉ में सॉल्व किए होंगे, तो GST में भी किस टाइप के MCQ आते हैं वो हम डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके ट्राई करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी डेप्थ में जाएगी कि यहाँ जहाँ तक देखा जाए आपका MCQ सॉल्व करना बहुत आसान होगा। यस ऑनलाइन आवाज कम आ रही है, यस बेटा अभी क्लियर है आवाज सभी को जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कनेक्टेड है? जो YouTube पे कनेक्टेड है बेटा यस बताओ। अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स यहां ऐप पे भी कनेक्टेड है। यस यस दिस कोर्स इज अप्लीकेबल फॉर CA CMA एंड CS इंटर ऑल 3 लेवल, क्योंकि हम एक्ट पढ़ रहे बेटा GST। हाँ तो मैं सभी को बता दूं कि यहाँ जो आज हम GST पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस CA इंटर में है, CMA इंटर में है और CS इंटर में है, और ये एक्ट जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आप सबको जो है कॉमन ही रहेगा। हाँ CMA में 10 मार्क्स का कस्टम है तो उसके एडिशनल लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए बेटा तो यहाँ पे हमने एक वेटेज ऑफ मार्क्स देखा इनकम टैक्स का और सेकेंड GST का। नेक्स्ट डिस्कशन पे अगर हम आए चल बेटा 2 मिनट आपके क्वेश्चंस जो है सभी के आंसर्स मिल जाएंगे, थोड़ा वेट करो और पेशेंस करो, सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। चलो तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारा सिलेबस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन GST की अगर हम बात करें तो मार्क्स एलोकेशन कैसे है। सबसे पहले तो GST में ओके यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पहली बात तो मैं आपको एक बात कह दूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स मत करना, गुड्स एंड तो चलो आपके पास नोटबुक है तो मैं जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है मैं आपको कह दूं आपको 2 नोटबुक यूज करना है, एक हमारे चार्ट के लिए रहेगा और एक हमारा राइटिंग प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चनर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे उस पर रहेगा, ठीक है। तो आपको 2 नोटबुक यहाँ पे साथ में कैरी करना है, ठीक है। तो टाइटल देना गुड्स एंड टाइटल दो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज ये वर्ड यूज करो,
जरूर। हेलो, हाँ डन। अब आपने टाइटल दिया होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम क्या कहेंगे शॉर्ट में, जीएसटी। अब देखो यहां पे टोटल 5 एक्ट है जीएसटी के। ओके, चलो लिखो टोटल 5 एक्ट जीएसटी के। चलो पहला लिखो सीजीएसटी एक्ट 2017, सीजीएसटी एक्ट 2017। व्हाट डू मीन बाय सीजीएसटी एक्ट, कोई बता सकता है? आपको ये बेसिक जानकारी है। हाँ, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लॉन्ग फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद में सेकंड एक्ट है एसजीएसटी एक्ट 2017, एसजीएसटी एक्ट 2017। तो यस, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक बताइए, समझ में आ रहा है भाई साहब? एसजीएसटी यानी क्या, बोलो। ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। हाँ, तीसरा एक्ट लिखो यूटीजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017। अब ये यूटी मतलब लिखना होगा तो ब्रैकेट में लिख देना आगे, यूनियन टेरिटरी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। चार्ट्स के लिए अराउंड 100 पेजेस और आपके नोटबुक जो रहेगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए अराउंड 200 पेजेस प्लस, अगर लगेगा एक्स्ट्रा तो बाद में आपने कंटिन्यू कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट लिखना आईजीएसटी एक्ट 2017। अच्छा, आईजीएसटी यानी क्या, कोई बता सकता है? आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड। हाँ, लिख लेना, ये बहुत जरूरी है, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है जीएसटी सेस एक्ट, जो कंपेंसेशन होता है, कंपेंसेशन टू स्टेट, कंपेंसेशन टू स्टेट। देन ये टोटल 5 एक्ट होते हैं, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी सेस एक्ट। माइक लेके रेडी रहना, थोड़ा हम इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है? और आगे धीरे धीरे जब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे आपको रियली बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट ऐसे करते हैं। यस बेटा, क्या बातचीत चल रही है? हाँ, बाहर निकाल दूं? हाँ, कौन बाहर निकालता है बताओ? कोई नहीं निकालता ना, चलो आज से मैं निकालता हूँ बाहर, ठीक है? हाँ, जैसा निकाल रहे। मेरे इसमें होमवर्क तो कम आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसे आपको दूंगा जैसे चार्ट्स वगैरह, तो हम डेफिनेटली वो ड्रॉ करेंगे। चलो आगे मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी से अगर आपको बता दूंगा तो आप सब कॉन्शियस हो जाओगे। धीरे 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 झटका देना पड़ेगा मेरे को। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब जीएसटी लॉ आया तो जीएसटी लॉ दो इसमें डिवाइड हुआ, सेंट्रल एंड स्टेट। इसको हम कहते हैं ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। ओके, यानी ये डिसाइड हुआ कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो ट्रांजेक्शन पे दो टाइप के टैक्स लगाए गए, सेंट्रल एंड स्टेट। ओके, ये जो टैक्स है सेंट्रल, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, पहले क्या था, जितने भी सेंट्रल लॉस थे, एग्जांपल के तौर पे एक्साइज था, उसके बाद में एक्साइज के अलग अलग लॉस थे, फिर सर्विस टैक्स था, ये सारे लॉ को मर्ज करके एक लॉ बनाया गया जिसका नाम बनाया गया सीजीएसटी, सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ठीक है, सीजीएसटी एक्ट। और उसके बाद में जो स्टेट के लॉज थे, सारे स्टेट के लॉज एक साथ मर्ज करके जो बनाया गया उसका नाम था एसजीएसटी।
अब नॉर्मली क्या होता है कि यहां पे अगर आपका यहां स्टेट होगा और यूटी होगी, ओके, यूनियन टेरिटरी, कोई एक आधा एग्जाम्पल यूनियन टेरिटरी के लिए, अंदमान निकोबार, ठीक है, अंदमान निकोबार। तो अब अंदमान निकोबार की बात करें तो अगर आपका ट्रांजेक्शन, एक वर्ड अब पिक्चर में आ रहा है, सभी ने ध्यान देना, आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, इंट्रा, आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, इंट्रा, इंट्रा या यूटी में, समझ लो यूटी में आपका ट्रांजेक्शन इंट्रा है। अब दो वर्ड्स पिक्चर में आते हैं, एक आता है इंट्रा स्टेट और एक आता है इंटर स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट, कोई बताएगा? जो ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हो, मतलब सेलर भी एक ही स्टेट में हो और बायर भी एक ही स्टेट में हो, उसे कहते हैं हम क्या, इंट्रा, उसके हम कहते हैं इंट्रा। तो जब ट्रांजेक्शन, मतलब सिंपल एग्जाम्पल, आप नीचे यहां शॉप में, स्टेशनरी शॉप में गए और स्टेशनरी शॉप में आपने कहा कि भाई मुझे रजिस्टर खरीदना है या पेन खरीदना है, तो सेलर भी वही स्टेट और बायर भी वही स्टेट, वो भी इंट्रा। दूसरा एग्जाम्पल, ओके, यहाँ के आप समझ लो सेलर जो है लक्ष्मी रोड पे पुणे में, और उसने सेल किया, ओके, यहाँ नासिक में या संभाजीनगर में इन महाराष्ट्र, अरे समझ में आया ना, तो ये भी ट्रांजेक्शन का इंट्रा। या विद इन स्टेट आप पुणे टू नागपुर भी सेल करो तो भी ट्रांजेक्शन क्या, इंट्रा। जब आपके ट्रांजेक्शन इनसाइड द स्टेट होते हैं, आई रिपीट द वर्ड, क्या, इनसाइड द स्टेट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट। तो सर दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होता है, इंटर स्टेट। जब आपके ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे यहां पे, ओके, दो टैक्स लगाए गए, और वो दो टैक्स कौन से बेटा, CGST और SGST। अब ये जो चीजें है, मैं बेसिक ले रहा हूं, पर ये तो अभी बच्चे को भी पता है, जब वो बिल देखता है तो उसके ऊपर दो टैक्स देखता है, कौन से दो देखता है, CGST और SGST, ठीक है। तो यहां पे CGST और SGST, समझ लो आपका ट्रांजेक्शन हुआ यहां पे 100 रुपीज का, कितने का हुआ, 100 रुपीज का प्राइस, तो आपको CGST जो है, जो GST का टोटल रेट होगा, जनरली अभी टोटल जो यहां पे रेट है वो 4 बैंड में, आपको पता है कौन से 4 बैंड में पता है, अगर आपको याद होगा तो टोटल एक 5% होता है, दूसरा कौन सा है, 12%, तीसरा 18% और नेक्स्ट 28%, नेक्स्ट 28%। तो ये बैंड और 2 बैंड रेट है, लेकिन ये आपको पता है। तो ये जो टोटल GST का रेट होगा उसका 50%, आई रिपीट, उसका 50% क्या लगेगा, CGST, और उसका 50% SGST, यह आप सभी को पता है। यानी 100 रुपीज पे अगर मैं 5% लू तो 5 रुपीज हुआ, यानी 2.5 क्या लगेगा, CGST, और 2.5 SGST, ये भी बेसिक आपको पता है। चलिए, तो जहां तक देखा जाए तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे कमेंट कर रहे हैं बेटा, या फिर जो ऐप में कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी कमेंट्स मैं आधी घंटे बाद देखूंगा, थोड़ा मुझे बेसिक बताने दो, और उसके बाद में मैं आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस हो गए वो एंटरटेन करूंगा। और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं आपको कहूँ कि अब आप डाउट पूछिए तब पूछो, सो दैट आपका डाउट एंटरटेन हो सके, अदरवाइज वो कब यहां पे स्क्रॉल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, बी केयरफुल रिगार्डिंग टू दिस। तो यहां पे, ओके, CGST 2.5% और SGST 2.5%, यहां पे, सॉरी, हाँ, अगर हम रेट कितना ले रहे हैं, 5%। अब दोस्तों जहां तक देखा जाए, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ, एक होता है क्या, इंटर स्टेट सप्लाई, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेचा जाता है तो इंटर स्टेट, और वो केस में लगता है क्या बेटा, IGST, जिसका नाम इंटर स्टेट GST नहीं है, आई रिपीट, जिसका नाम इंटर स्टेट GST नहीं है, जिसका नाम इंटीग्रेटेड है। अब सवाल आपका यह आ सकता है कि सर ये इंटीग्रेटेड वर्ड कहां से आया, तो इंटीग्रेटेड वर्ड मतलब सम ऑफ CGST एंड SGST, ओके, दोनों को इंटीग्रेट करके लगाया गया, जिसका नाम हुआ इंटीग्रेटेड। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको सेल होता है या सप्लाई होता है, तो वो केस में आपको GST हाफ ऑफ नहीं लगता है, वो केस में आपको GST फुल रेट से लगता है। अच्छा, हमारा फुल रेट क्या चालू है, समझ लो 5%, तो आपको IGST क्या रेट से लगेगा, 5%। अब आपके बहुत सारे सवाल,
सर ऐसा क्यों किया गया कि भाई हर ट्रांजेक्शन पे स्प्लिट क्यों किया, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, क्यों नहीं एक ही जीएसटी लगा दिया? फिर सर इसको क्यों डिवाइड किया गया इंट्रा स्टेट एंड इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में फिर हम फुल रेट से आईजीएसटी क्यों लगाते हैं? मैं सवाल बहुत क्रिएट करवाऊंगा आपसे, और जिसमें ये ताकत है सवाल पूछने की, उसके लिए सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होते जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये सवाल है कि ऐसा क्यों? भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और मैं आपको पहले दो तीन दिन ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक्ट होता है, फिर सेक्शन होते हैं, फिर सब सेक्शन होते हैं, फिर क्लॉज होता है, फिर सब क्लॉज होते हैं, फिर प्रोविजो होती है, ठीक है, फिर प्रोविजो होती है, फिर एग्जाम्पल होते हैं। भाई साहब मैं तीन दिन तो एक्ट ही नहीं स्टार्ट करने वाला, मैं आपको पूरा बताऊंगा पहले क्या होता था, अब क्या होता है, और आगे क्या होगा, आगे क्या, ये जीएसटी आया कैसे, बना कैसे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कोई मेडिटेशन में बैठ गया और आंखें खोली आ से जीएसटी लगा दो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कुछ तो हुआ होगा कि जिसके वजह से 2017 ने मोदी जी ने सोचा जीएसटी लगाते हैं, मित्रों आज से हम जो है जीएसटी लगा देंगे, कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, और ये भी बताओगा कि नहीं स्टेप अच्छी थी, जीएसटी लाने की स्टेप अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी पहले तीन चार साल बहुत बिगड़ी, बहुत बिगड़ी, इसमें स्कैम भी हुए। सर कैसे स्कैम बताओ ना, अरे नालायक पढ़ाने तो दे ओके, बिना पढ़ाए कैसे स्कैम बता दूं? ठीक है, पहले लॉ तो पढ़ाओ, फिर उसको कैसे लॉ को यूज करना चाहिए। रिकॉर्डिंग होगी इसलिए मैं वो कट कर दूंगा ओके, पर धीरे धीरे बताओगे आपको कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, सो दोस्तों जहां तक देखा जाए तो ये सवाल आपके बिल्कुल वैलिड है कि जब क्यों डिवाइड हुआ इंट्रा स्टेट में और इंटर स्टेट में, क्यों हमने ऐसे इंट्रा स्टेट में दो टाइप के टैक्स लगाए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बता दूं, सीजीएसटी का रेवेन्यू किसका था, सेंट्रल का, और एसजीएसटी का रेवेन्यू स्टेट का था। आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा, थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ने दो। ठीक है, पहला चैप्टर इसके ऊपर ये हो रहा हमारा जीएसटी का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा यूटीजीएसटी। ये यूटीजीएसटी क्या होता है आपका बताओ, यूनियन टेरिटरी। अगर कोई ट्रांजेक्शन इनसाइड द यूटी होता है, आई रिपीट द वर्ड क्या, इनसाइड द, समझ लो आप अंडमान निकोबार घूमने गए या आप चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ यूटी, दीव दमन यूटी, समझ लो आप अंडमान निकोबार घूमने गए, और वहाँ जाने के बाद आपने मॉर्निंग में वहाँ पे बिस्लरी का बॉटल लिया या आपने कोई फूड स्टप खरीदा। ठीक है, तो जब आप सेलर भी वहाँ का और क्या बायर वहाँ जाके खरीद रहा है या बायर वहाँ का ही है, आई रिपीट बायर वहाँ जाके खरीद रहा है या बायर वहाँ का ही है, जब वो ट्रांजेक्शन होगा, समझ लो आपने कोई फूड स्टफ खरीदे जिसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे 100 रुपीज, ओके 100 रुपीज, तो वहाँ पे भी टैक्स स्प्लिट होता है 50-50, पर वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी के जगह लगता है यूटीजीएसटी। मतलब यूटीजीएसटी ये एसजीएसटी को रिप्लेस करता है, आई रिपीट द वर्ड, यूटीजीएसटी ये एसजीएसटी को रिप्लेस करता है, पर कहाँ, कौन से स्टेट में रिप्लेस करता है, स्टेट में नहीं यूटी में। अब आपका एक सवाल, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी, सवाल तो आने ही चाहिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी, बिल्कुल सही सही क्वेश्चन है। अब आपको बताता हूं, यूटी ये बताता है यूनियन टेरिटरी, यानी इंडिया की सारी टेरिटरी को यूनाइटेड किया गया, वहां से वर्ड जन्मा कौन सा, यूटी। ठीक है, पहले सिस्टम ऑफ मोनार्की थी, गवर्न बाय किंग्स, राजाओं का राज था। ओके, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज यहां पे जब जाते वक्त भी डिवाइड रूल करके ही, यानी डिवाइडेशन करके गए, उन्होंने कहा हम पूरा इंडिया तो हमने जीता नहीं था, हमने जो जीता वो टेरिटरी वाइज जीता है, राजा को हरा हरा के जीता है।
अरे हाँ है ना, तो हम जब वापस देने जाएंगे तो जो राजा के किंगडम थे ओके, उनके ही अगर उनका यहाँ पे कोई फैमिली होगी तो हम उनको ही वापस करके जाएंगे, और जहाँ कोई राजा नहीं है वहाँ हम ये जो है यहाँ एज अ इंडिया का पार्ट देखे जाएंगे। समझ में आया क्या? फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब से इंडिपेंडेंस मिला सरदार वल्लभ भाई, सभी राजाओं को उन्होंने इंटीमेट कर दिया कि यूनाइटेड यूनाइट योर किंगडम इन इंडिया, जहाँ बना यूनाइटेड इंडिया। ये समझ में आया क्या? चलो ये छोटी सी स्टोरी थी, पर आपको बता दूँ महाराष्ट्र भी यूटी है। आई रिपीट, महाराष्ट्र भी यूटी, सारी टेरिटरी यूनाइटेड हुआ है जिसको बोला जाता है यूटी। पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसी यूटी, ध्यान से सुनना मेरा हर लाइन, ध्यान से सुनना, ऐसी यूटी जहां स्टेट असेंबली है। आई रिपीट, ऐसी यूटी जहां स्टेट असेंबली है, जिसे कहते हैं हम लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आई रिपीट द वर्ड, क्या? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, विधानसभा। आई रिपीट, विधानसभा, वो यूटी को स्टेट बोला जाएगा। आई रिपीट, ऐसी यूटी जहां स्टेट असेंबली है वो यूटी को स्टेट बोला जाएगा, और जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है उसको यूटी बोला जाएगा। ओके, मतलब क्या? यानी कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका गवर्नेंस डायरेक्ट सेंट्रल के पास है, वहां स्टेट इलेक्शंस नहीं होते, डायरेक्ट सेंट्रल के पास है। जैसे अंडमान निकोबार, वहां स्टेट असेंबली नहीं है, ओके, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यूटी है। चंडीगढ़, बहुत बड़ा झगड़ा था बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, उसको झगड़े को खत्म ही कर दिया, चंडीगढ़ यूटी, यहां कोई स्टेट नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? यहां कोई स्टेट नहीं चलेगा, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल। दीव, दादरा नगर हवेली वगैरह जो है, ओके, अगेन यूटी। तो दोनों में एक सिंपल डिफरेंस समझ लो, स्टेट मतलब जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, और जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वो यूटी है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर आप बस एसजीएसटी और यूटी जीएसटी में फर्क क्या है, अगर ट्रांजेक्शन स्टेट में हो रहा है, अगर ट्रांजेक्शन स्टेट में हो रहा है तो क्या एसजीएसटी, अगर ट्रांजेक्शन यूटी में हो रहा है तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। अब ये तो ठीक है, हमने एसजीएसटी और यूटी जीएसटी, इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि एसजीएसटी भी लग गया और यूटी जीएसटी भी लग गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? Either ट्रांजेक्शन स्टेट में होगा या यूटी में होगा, आपको सिर्फ एसजीएसटी को रिप्लेस करना है यूटी जीएसटी से। ये समझ में आया क्या? ओके, तो ये था सीजीएसटी एसजीएसटी और उसके बाद में यूटी जीएसटी। आईजीएसटी, आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट के केस में, ओके, जब आपका सप्लाई या सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट होगा, तो हम जहां तक है आईजीएसटी लगाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जीएसटी कंपेंसेशन सेस। अब ये एक्ट जो है जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या था, 2017 के पहले बहुत सारे स्टेट जीएसटी लाने में थोड़ा अपोज कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको ये डर था कि जीएसटी अगर आ गया तो हमारे स्टेट का रेवेन्यू सब्सटेंशियली कम हो जाएगा, स्पेशली वो स्टेट जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, जहां इंडस्ट्रीज नहीं है। अब जीएसटी जो लाना था वो ऐसा नहीं था कि ये स्टेट में आ गया, ये स्टेट में आ गया, नहीं, अगर लाना था तो यूनानिमसली सभी स्टेट को लाना था, अदरवाइज जीएसटी की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती थी। इसलिए कुछ स्टेट, ऐसे 5-6 स्टेट थे जो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं हम जीएसटी में हम नहीं लाएंगे, हमारा रेवेन्यू कम हो सकता है जीएसटी में। तो फिर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट, बड़ा नाम है, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। और ये वादा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे कि अगर किसी स्टेट को जीएसटी आने के बाद नुकसान हुआ तो इस सेस, एडिशनल सेस लगाने से जो रेवेन्यू होगा वो रेवेन्यू उन स्टेट को दिया जाएगा। ये समझ में आया कि आप डरो मत, आपका नुकसान नहीं होगा, ओके, जो भी रेवेन्यू इस एक्ट के तहत आएगा वो उन स्टेट्स में बांटा जाएगा, ओके। और ये एडिशनल एक्ट लाया गया जीएसटी सेस एक्ट 2017। अब सवाल यह है कि सर ये लगता किसके ऊपर है, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017, ये लगता है कुछ लग्जरियस आइटम्स पे, ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी लग्जरी कार, अगर आपकी लग्जरी कार की वैल्यू यहाँ 50 लाख के ऊपर है और कुछ इंजन कैपेसिटी से ज्यादा है, तो इन एडिशन टू, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी ने, वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक, इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी, बेसिक जीएसटी मतलब
इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर होगा तो आईजीएसटी। तो इन एडिशन टू बेसिक जीएसटी आपको ये एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है जिसे नाम दिया जाता है जीएसटी सेस। एक बार फिर से, जीएसटी सेस सभी गुड्स पे नहीं लगता है। पहला, ये लग्जरी आइटम्स पे लगता है, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको, कार। दूसरा, पब्लिक डोमिनेटेड गुड्स, एग्जाम्पल ओके यहां पे सिगरेट्स, जिसको पब्लिकली गवर्नमेंट डोमिनेट करना चाहती है। ओके, सिगार, सिगरेट्स, टोबैको। ओके, इन पे दो जीएसटी लगते हैं, एक बेसिक जीएसटी लगता है और दूसरा सेस लगता है। और इसका जो सेस का एडिशनल रेवेन्यू आएगा, वो एडिशनल रेवेन्यू वो स्टेट के साथ शेयर होगा जिनको लॉस हुआ है। और आपको एक बात बता दूं, जीएसटी आने के बाद लॉस किसी को ही नहीं हुआ, तो सर ये रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास पड़ा है। अरे समझाया नहीं समझा, गवर्नमेंट के पास पड़ा है सर। क्यों? सबसे पहले तो एक सवाल है कि भाई जीएसटी आने के बाद कुछ स्टेट क्यों डर रहते हैं कि हमें लॉस होगा। ओके, और कुछ स्टेट यहां डरने के बाद जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो यहां पे मुश्किल से कोई एक आधे स्टेट को लॉस हुआ था, वो भी थोड़ा बहुत हुआ था। ओके, तो वो कंपेंसेट किया गया, पर किसी को लॉस ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा क्यों, देखेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है, देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो ऐसे टोटल आपको कितने एक्ट है, तो इसमें से आपको जो एक्ट पढ़ना है, ओके, ये पढ़ना है सी जी एस टी एक्ट इंटर लेवल पे। टोटल अराउंड हमें जो पढ़ने हैं 52 सेक्शंस हैं। अरे समझे या नहीं समझे, 52 सेक्शंस है। और दूसरा पढ़ना है आई जी एस टी एक्ट, इसमें से दो ही सेक्शंस पढ़ना है, बाकी सारे सेक्शंस फाइनल लेवल पे। तो सर फिर ये एस जी एस टी, यू टी जी एस टी, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रीज़न बताता हूँ कि आपका एस जी एस टी एक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है विथ क्या, सी जी एस टी, बस वो स्टेट वाइज अलग अलग पास हुए। ओके, यूटीजीएसटी एक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है विद सीजीएसटी, तो आपको एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट पढ़ना नहीं है। अगर हमें फाइनल लेवल तक पढ़ने हैं तो सिर्फ दो ही एक्ट पढ़ने हैं, एक है सीजीएसटी एक्ट और दूसरा है आईजीएसटी एक्ट। जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी आपको पढ़ना नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो सर टोटल वेटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं ये दो एक्ट को मिला के, तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पे टोटल वेटेज पहले 40 मार्क्स था, अब कितना हो गया 50 मार्क्स। तो आपको 50 मार्क्स का वेटेज है। ओके, ये दो एक्ट मिला के सीजीएसटी अप टू सेक्शन 52 और आईजीएसटी के दो सेक्शन हम देखेंगे, 50 मार्क्स का वेटेज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर इंस्टीट्यूट ने जानबूझकर जीएसटी का वेटेज बढ़ाया हुआ है ऑन द डिमांड ऑफ वेरियस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है, ओके, अभी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है ऑफिसेस में और सबसे ज़्यादा चेंजिंग लॉ है, ठीक है। तो इसका, और ये बहुत से सीए का कहना था कि जब स्टूडेंट्स आ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता था पहले, जहाँ पे भी इनकम टैक्स होता था तो इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी पढ़ा दिया जाता था और जीएसटी आखिरी के 20-25 दिन में ख़त्म कर दिया जाता था। तो जितना रिक्वायर्ड नॉलेज है उतना रिक्वायर्ड नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं मिलता था। वी स्मार्ट में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फैकल्टी अलग अलग थी, ठीक है, डीटी के। और ये अभी से नहीं, जब से वी स्मार्ट फॉर्म हुआ है तब से फैकल्टी अलग अलग थी। और मैंने लास्ट 20 ईयर्स में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, आईडीटी। अगर आप मुझे दूसरा कुछ पूछे तो मुझे नहीं पता, इवन इनकम टैक्स का भी मेरे को आपको पूछना पड़ेगा कि ये ऐसा है या नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, मेरा खाना पीना जीना सब एक ही इसमें, आईडीटी, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी 50 मार्क्स का वेटेज बढ़ाने के बाद उन्होंने तीन चैप्टर्स भी बढ़ाए। पहले आईजीएसटी एक्ट सिलेबस में नहीं था, सिर्फ आपको सीजीएसटी एक्ट था, पर आईजीएसटी एक्ट के दो सेक्शंस उन्होंने अप्लीकेबल करवाए। उसके बाद में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आने वाला जीएसटी का पेपर भी आपका एक ऐसा लाइटली नहीं, एक बेटर लेवल पर ही रहेगा। ओके, यानी एक एडवांस लेवल पर ही रहेगा, आप इसको अब लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें कितने लगेंगे जीएसटी के लिए, तो ये आप सभी को बता दूँ, हमें अप्रोक्सीमेटली 42 से लेके क्या 45 लेक्चर्स लगेंगे जीएसटी के। तो ये एक लेक्चर 3.5 आवर का, अगर ब्रेक वगैरह निकाल दे, ओके, और यहाँ तो 3 to 3.5 आवर के बीच में आपका लेक्चर्स रहेगा इफेक्टिवली, ठीक है। मैं ब्रेक निकाल देता हूँ,
ओडी में, ऑनलाइन डाउनलोड में, उनको क्या जरूरत है? ठीक है, ओके, यहाँ फेस टू फेस डेली बेसिस पे डिसिप्लिन पे आप लेक्चर कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ब्रेक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 to 45 लेक्चर हमें लगेंगे। उसके बाद पे नेक्स्ट बात करते हैं हम नोट्स की। तो आपको मॉड्यूल क्या मिले होंगे, तो मैं ये बता दूँ आपको, रेगुलर मॉड्यूल आपको दो मॉड्यूल मिले होंगे, सब ने कलेक्ट कर लिया? ठीक है, तो ये दो मॉड्यूल आपको मिले। सर ये मॉड्यूल जो हमें मिले हैं, इसके बाद हमें इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा क्या? भाई साहब यही बहुत है, और पढ़ने के लिए आपके पास कुछ कम है क्या? नहीं ना, ओके, इंस्टीट्यूट का मटेरियल वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई रेफर करना चाहता है तो ज़रूर करें, रिसर्च करना अच्छी बात है, अरे है ना। लेकिन मैंने अपना जो मॉडल बनाया है, ओके, ये हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बेस पर ही बनाया। अगर कोई कंपेयर भी कर ले तो एवरी पॉइंट व्हाट एवर गिवन इन आवर मटेरियल आई हैव इंक्लूडेड इन द नोट्स। आपको नोट्स के अलावा बिल्कुल भी और कुछ पढ़ना नहीं है, डन। ये दो मॉड्यूल इनफ है। अब नोट्स का स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे नोट्स में मैंने पूरी कोशिश की है, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ओके। नोट्स अगर देखोगे तो मैंने यहाँ चार्ट के लिए स्पेस रखा है, कहीं पे मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यूज़ किया है, कहीं पे चार्ट्स आपको नोटबुक में मेरे साथ ड्रॉ करना है। और पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे कलर्ड नोट्स, अब तो ये कोई स्पेशल फीचर नहीं रहा, ठीक है, कलर्ड नोट्स ये तो आपको सब सब्जेक्ट्स में मिल ही जाता है, लेकिन हाँ मैंने मेरे नोट्स में यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत यूज़ करे, जिस जो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो यहाँ पे अभी ये पिक्चर दिख रहा है बेटा, शायद बदल भी सकता है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम ये दूसरा भी दिखेगा। तो हाँ, उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, यहाँ ये इस बार जो नोट्स मैंने बनाई है, स्पेशली जो इसके पहले वाला जो अटेम्प्ट था और आपके लिए जो अभी बनाई है, मैंने नोट्स जो है पूरा पॉइंट वाइज मैनर में लिया है, कॉन्सेप्ट के हर कॉन्सेप्ट के प्रॉपर इंडेक्स बनाए हैं, टाइटल्स बनाए हैं, और वो पॉइंट वाइज मैनर में नोट्स आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते पढ़ते तो आपको इसका मेन फीचर समझ में आएगी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन है। अब अगर आप नोट्स देखते हो तो नोट्स में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझने के हिसाब से। और उसके बाद में एक क्वेश्चंस आपका जो आता है वो ये आता है कि सर एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चनेयर बनाया हुआ है जिसमें 300+ क्वेश्चंस है, हर टॉपिक पे कवर है, ओके, सारी आरटीपीस कवर्ड है, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर्ड है। आपने इतना कर लिया, मोर देन इनफ, इसके बियॉन्ड जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्लियर। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये क्वेश्चनेयर भी हम हमारे क्लास में कवर कर लेंगे। अब मैं ये क्वेश्चनेयर आपका क्लास में हो जाता है, पर मैं रियली बताऊं क्या, आपका रियल स्टडी तब होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। ठीक है, क्लास के साथ गाइडेंस मिल जाता है, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, पर जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तब आपकी रियल स्टडी होती है। और जब सेल्फ स्टडी करते हो तब आप रेगुलर बुक देख रहे हो, आप क्वेश्चनेयर देख रहे हो, तब ये सवाल आता है कि मतलब क्वेश्चनेयर देख रहे हो और कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लिक नहीं हो रहा है, ओके, कब ऐसा होता है कि यार वो सर ने कुछ तो पढ़ाया था लेकिन यार क्लिक नहीं हो रहा है, और उस वक्त आपको सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जब जब भी आप पढ़ोगे तब तब मेरा आपको सपोर्ट रहेगा। तो वो सपोर्ट कैसे रहेगा, एक स्मार्ट जीनी बुक, ये भी मैंने ही डेवलप किया है, चार्ट सिस्टम जो हमने बनाया और एक स्मार्ट जीनी बुक हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट में आपको जो है यहाँ पे ये स्मार्ट जीनी बुक क्या होगी मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपके लॉगिन में, वी स्मार्ट के लॉगिन में, आपके पास वी स्मार्ट का लॉगिन होगा, सबके पास है। मेरे सब्जेक्ट में ये आपको लॉगिन प्रोवाइड किया जाएगा, ये लॉगिन में, ओके, अगर आप ये क्लिक करोगे कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ये लिंक पे क्लिक करोगे तो ये मैंने फाइनल का एग्जाम्पल लिया, ऐसा ही इंटर का बन रहा है, ठीक है। तो इस पर मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चनेयर का यहाँ पे लिस्ट बना के दिया है, अगर आप ये क्लिक करते हो, अगर आप ये क्लिक करते हो, समझ लो पहले चैप्टर को क्लिक करते हो और ये आपका क्वेश्चनेयर आ गया। क्वेश्चनेयर आने के बाद बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ
कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे वापस से समझा दिया जाए, वापस से सर आ जाए और बता दिया जाए, तो यहाँ पे जस्ट मैंने साइड में प्ले वीडियो रखा है, तो वो वीडियो आप प्ले कर दोगे तो आपको यहाँ पे उसका डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना कोई है जो आपका ख्याल रख रहा है, ठीक है? ऑलवेज रख रहा है। तो या ये जीनी बुक आपको मिल जाएगी क्वेश्चनियर की। सर ये ओनली क्वेश्चनियर की क्यों, रेगुलर मटेरियल की क्यों नहीं? मैं आपको कहूँगा धीरे धीरे ना क्लास के बाद आपका रेगुलर मटेरियल तो ओके यहाँ आप जल्द से जल्द यहाँ बाजू में रख दोगे। इसके बाद आज तक का एक्सपीरियंस है कि आप मेरा चार्ट बुक एंड क्वेश्चनियर इतना ही पढ़ोगे। कोई तो कुछ दिनों बाद क्लास होने के बाद बोलेगा वो इतना पढ़ने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। पर ये कब, जब हमारा इनडेप्थ स्टडी हो गया किसमें, क्लास में। इसके बाद तो भाई साहब मैं खुद कहता हूं चार्ट बुक एंड क्वेश्चंस, दैट्स इनफ। ये समझ में आया क्या? चलिए भाई, ये तो हो गया कि आपने यहां पे मॉड्यूल में इनडेप्थ पढ़ लिया, क्वेश्चंस देख लिए, मेरे साथ चार्ट बना लिए। फिर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है ना एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ने बैठते हैं, कुछ स्टूडेंट सीरियस होते हैं, पहले से पढ़ते हैं, तब कहाँ उनको याद आती है कि सर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ क्या ऐसा हो जाए कि ये इतना कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है, ठीक है, इतना कौन पढ़ेगा। हाँ आपने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है, सब सब ठीक है, पर कुछ ऐसा मटेरियल दो ना जो शॉर्ट में कवर हो जाए सब। यहाँ पे तो फिर उसके लिए ये मटेरियल है बेटा मेरा चार्ट बुक। ये चार्ट बुक में बहुत औसम है ना। हाँ ये चार्ट बुक में आप देखोगे तो टोटल 32 पेजेस है, 31 ही है, 31 पेजेस में पूरा जीएसटी कवर किया हुआ है। तो ये चार्ट में जब हम देखेंगे, ये भी चार्ट, ये अच्छा, ये चार्ट बुक का स्पेशल फीचर क्या है बताता हूँ। इसके जो इसके बेटा ज्यादा तालियां मत बजा, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या एक्स्ट्रा बजाते हैं तो लोग अच्छी नजर से नहीं देखते ना। हाँ तो जहां तक है, अब ये जो चार्ट से समझ, ये जो हमने चार्ट वगैरह बनाया, ये चार्ट बुक में ये छोटे छोटे चार्ट जो है हम क्लास में बनाएंगे, और वो छोटे छोटे चार्ट को मैंने पूरा कनेक्ट कर दिया है बड़े चार्ट। तो अब यहाँ पे ये बड़े चार्ट में हमने कवर कर लिया, तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपने छोटे छोटे चार्ट पे प्रैक्टिस कर लिया और ये पूरा चैप्टर कनेक्ट हो जाता है एक साथ। समझ में आया क्या? पूरा चैप्टर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, तो इससे ये फायदा है कि जैसे ही आप चार्ट बुक लोगे आपको फटाफट समझ जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में उसके ऊपर प्रैक्टिस किया हुआ है। क्लियर? तो ये चार्ट बुक आपको मिलेगी और ये एक मॉड्यूल आपको चार्ट बुक का मिला होगा, और डेफिनेटली ये चार्ट बहुत हेल्प करेंगे आपको रिविजन के लिए। हाँ मैंने पूरी कोशिश की है चार्ट बुक में कि 90% कंटेंट समराइज फॉर्म में चार्ट्स में आ जाए इन 30 पेजेस। इन एडिशन टू दैट, आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार ये भी रेगुलर बुक में सर ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा के दिया था, तो स्टिकी नोट पे लिखना या पेज पे लिखना और यहाँ पे स्टेपल करना। पर आपका एक बार ये पढ़ने के बाद अच्छे से, यानी मेरे साथ क्लास में, फिर रेगुलर क्लास के साथ आपको रिविजन करना है, बस मैं ये कहूंगा कि क्लास में दो, आपको डेली 2 बार पढ़ना है मेरे साथ क्लास में और क्लास के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होता है ये जो है बाजू में, और मैं कहूंगा कि चैप्टर खत्म होते ही ये बुक और चार्ट्स और कुछ आपको एडिशनल लगा तो वो आपने इसमें अटैच कर देना, और वो बाद में आपका ये मेन बुक बनना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो रहेगा यहां पे आपको चार्ट बुक का एक मॉडल दिया गया। फिर होता है बेटा वॉल चार्ट। हाँ ये वॉल चार्ट क्या है? ये वॉल चार्ट बेटा मुझे याद आता है 2004 की बात है, जब मैं पढ़ता था और मैंने पढ़ते पढ़ते ही क्लास लेना स्टार्ट किया, तो मैं ये सोचता था कि यार मैंने ये चैप्टर तो पढ़ लिया, ये चैप्टर तो पढ़ लिया, ये चैप्टर तो पढ़ लिया, पर सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और एक मेक से कनेक्टेड है। तो मैं ड्राइंग शीट ला रहा, और ड्राइंग शीट लाने के बाद जो है मैं यहाँ पे उसके ऊपर सारे चैप्टर्स के पहले छोटे छोटे चार्ट्स को कनेक्ट करना, फिर चैप्टर कनेक्ट करना, फिर एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्ट करना, और ऐसे कुछ चार्ट्स बनाना जिसे मैं कहते हो क्या,
वॉल चार्ट्स, आपको ऐसे वॉल चार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये वॉल चार्ट्स का बेनिफिट क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें भी इसमें क्या है, इसमें बेटा जो हमने क्लास में बनाए हुए छोटे चार्ट्स, फिर ये छोटे चार्ट्स को चैप्टर में कवर किया हुआ चार्ट बुक, और वो सारे चैप्टर्स को वॉल चार्ट में कवर किया हुआ ये वॉल चार्ट आपको मिलेगा, अब बिग चार्ट आपको मिलेगा। इसका फायदा क्या है, ये आपको रॉकेट व्यू देता है। आपने अगर ओके आपके रूम में चिपका दिया, सर जगह नहीं है ऑलरेडी, बहुत कुछ हमने दूसरे सब्जेक्ट की डीटी के लगा दी है तो जगह अभी हम मिल नहीं रही है, ओके वहां स्पेस करो, ये चार्ट लगाओ। इससे फायदा क्या होगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और हम जो क्लास में जब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे, समझ लो सप्लाई, तो सप्लाई सेक्शन 7-1, 7-2, 7-1A, 7-1B, ओके विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन 7-1C, ये डांस नहीं था, ये जो है हम अलग अलग यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरामीटर्स पे। जब ये चार्ट आपको डेली दिखेगा और ये कनेक्टिविटी दिखेगी, अब ये चार्ट में जाके अब समझ लो कोई ऐसा चार्ट लगा रहा है दीवार पे, अगर लगा दिया तो यहाँ पे उसको दिखने वाला कुछ नहीं, ऐसा जाके देखेगा देखने वाला दूर से कुछ नहीं है, पर इसका फायदा क्या है कि आपको कनेक्शंस दिखेंगे, और जितना मैपिंग माइंड मैपिंग आप कर सकते हो, जितना मेमोरी के कनेक्शन लगा सकते हो डेली बेसिस पे, आपको कनेक्शन भी दिख गए, मतलब आप कनेक्टेड हो सब्जेक्ट से। हाँ, कोई अगर ये चार्ट को देखे तो ये दो चार्ट में भी जीएसटी खत्म हो सकता है, ये आपका कॉन्फिडेंस आपको क्लास के बाद आ जाएगा, क्लियर ओके। तो चलिए, आपको इतना मटेरियल कंटेंट मिला होगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर एमसीक्यू, एमसीक्यू की पीडीएफ आपको प्रोवाइड होती है और वो पीडीएफ आपके लॉगिन में प्रोवाइड होती है, ठीक है। आपको प्रिंटआउट लेना है तो प्रिंटआउट ले सकते हो, या आपके पास मोबाइल पे या आईपैड पे या कोई भी टैबलेट पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, तो एमसीक्यू की पीडीएफ मिलती है। तो ये हुआ क्लास मटेरियल। उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा अमेंडमेंट्स। सर हमारे अटेम्प्ट को नवंबर 24 या दिसंबर 24, अगर आप सीए कर रहे हो तो नवंबर 24, सीएमए कर रहे हो तो दिसंबर 24, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है फाइनेंस एक्ट 2023 की, आई रिपीट फाइनेंस एक्ट 24 की नहीं अप्लीकेबल होगी, फाइनेंस एक्ट 2023 और नोटिफिकेशन सर्कुलर्स अप टू 30th अप्रैल क्या 24, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है वो सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन किया है, सीएमए अगर आप सीएमए कर रहे हो तो सेम सिलेबस है जीएसटी का, सेक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, बस आपको 10 मार्क्स का कस्टम एक्स्ट्रा है, और 10 मार्क्स का कस्टम जो है आपको सेपरेटली उसके वीडियो सेशन प्रोवाइड कर दिए जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि सीएमए इंटर में 40 मार्क्स का जीएसटी है विद सेम सिलेबस और 10 मार्क्स का कस्टम्स, सीएस में भी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पे सीएमए या सीएस कर रहा है तो बिल्कुल जीएसटी के ये लेक्चर्स कर सकता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड कंटेंट टू कंटेंट आपका सिलेबस सेम है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जहाँ तक दोनों के लिए अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स नवंबर 24 या दिसंबर 24 के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 अप्लीकेबल रहेगा और नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स अप टू 30th अप्रैल। तो बेटा मैं 30th अप्रैल अभी तक के तो मैंने नोट्स में कवर कर लिया है, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा आएंगे तो मैं आपको एडिशनल शीट देके कवर कर लूँगा, पर एक्स्ट्रा आने के मुझे नहीं लगता कोई चांसेस है, क्यों, क्योंकि अभी इलेक्शन पीरियड है, अरे यस और नो, तो अभी कोई एक्स्ट्रा आने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका एक सवाल आ सकता है अभी, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट समझ लो, डाउट्स, स्पेशली आपको डाउट्स का सपोर्ट जो है जब आप पढ़ते हो खुद तो किस तरह से मिलता है, तो आपको जो ऐप दिया गया वी स्मार्ट का, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का एक वहाँ पे टैब दिया है, उसमें जाके आप डाउट पूछ सकते हो, और वहाँ डाउट जो आप पूछोगे तो मेरी पूरी टीम, 8 लोगों की टीम, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, रिसर्च में, जीएसटी में मुझे काउंसिलिंग में भी सपोर्ट करते हो और आपका डाउट्स भी एंटरटेन करेंगे। अगर आप वो डाउट से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप सिंपली इतना लिख सकते हो कि ट्रांसफर टू सर, तो वो डाउट मुझे ट्रांसफर हो जाता है एंड देन आई एम गोइंग टू एंटरटेन दैट डाउट्स। तो आपके डाउट्स जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हैंडल किए जाएंगे। सर अगर हम व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछे तो देखो, हमारी प्रायोरिटी ऐप होती है जिसमें आपको डाउट का ऑप्शन दिया है,
हाँ व्हाट्सएप पे भी डाउट्स हो गए तो वो हम एंटरटेन करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में होगा तो भी एंटरटेन करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे ऐप में आपके डाउट्स पूछे। तो क्यों? क्योंकि मेरी पूरी टीम कनेक्टेड है आपसे, ओके, और मैं पूरा कंप्लीट वॉच करता हूँ कि वो डाउट का आंसर कैसा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और उनको आपको रिमार्क भी देना पड़ता है कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, ठीक है। तो आप ऐप में पूछो तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सभी को कहना चाहूँगा, टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आपने वी स्मार्ट अकेडमी पर आपका लॉगिन क्रिएट किया होगा तो वहाँ पर स्टडी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वो स्टडी ग्रुप में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो वो स्टडी ग्रुप के टैब में जाके आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दिस लिंक, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन इस टेलीग्राम लिंक से ही होगा, ठीक है। मैं आप सभी को बता दूं, जो भी मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट करूँगा इस ग्रुप के थ्रू ही होगा। जो फेस टू फेस स्टूडेंट है तो मैं उनका क्यू आर कोड यहाँ दे दूंगा, आपको वो क्यू आर कोड ज्वाइन करना है, आपके लॉगिन में भी वो लिंक मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन डाउनलोड मोड में है, ओके, या ओडीपीडी में है, ओके, तो वो ये टेलीग्राम लिंक जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितनी सारी अनाउंसमेंट आएगी वो सारी किस पर आएगी, इस टेलीग्राम लिंक में आएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो है, मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया, नोट्स आपको क्या क्या मिलने वाली है ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्टार्ट करें हमारा जीएसटी, यस और नो? तो चलो अपना मॉड्यूल 1 ओपन कीजिए, जिसमें हम चैप्टर 1 लेंगे। एक स्टूडेंट ने अच्छी कमेंट दी है, ओके, पुराना स्टूडेंट है। अगर आपको स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर में स्लो लग रहा हो तो हाँ सर स्टार्टिंग में स्लो है, पर आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। तो मैं भी सबको ये बताना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ अब आ जाइए चैप्टर 1 पे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स, दूसरा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टेनिंग टू लेवी ऑफ टैक्सेस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हम पढ़ेंगे, और फिर मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चल आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? यस, माइक रेडी रखना, देखना चाहते हो इन्होंने टैक्स पढ़ लिया है। भाई साहब कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? माइक दो, हाँ पैसा देना पड़ता है, हाँ, और सर गवर्नमेंट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उसके लिए गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्स लेती है, कुछ मनी कलेक्ट करती है सपोर्ट के लिए, करेक्ट? हाँ इधर देना। हमने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू रन एंड डेवलप द कंट्री, मतलब हमारी इंडिया को डेवलप करने के लिए और हमारी इंडिया को अच्छे से चलाने के लिए, तो हमको इसमें टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट की अच्छे से इंडिया को मेंटेन कर सके, करेक्ट, वेरी गुड। अब ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, पर मैं जैसे ठीक है आपको जस्ट बता दूँ, यहाँ पे एक बेसिक सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, और सर सीधी बात है, जो एग्जाम में नहीं आने वाला हम ध्यान नहीं देते उसके तरफ, ओके, जो एग्जाम में आएगा उसके तरफ भी हम ध्यान देते हैं, ओके, इसलिए आपने जब सवाल पूछा तो हमने भी सोचा जवाब क्यों दे, एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये बता दूँ, बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड, ब्रिज, ठीक है, उसका टोल लेते हो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड करना, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, मिलिट्री हुआ, डिफेंस हुआ, ये सारी बातों के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है और वो पैसा कलेक्ट करती है किसमें,
टैक्स में, इन टर्म्स ऑफ टैक्स वो पैसा कलेक्ट करती है। अगर टैक्स ये वर्ड को देखे तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और कौन सा टैक्स हो, टैक्स हो, इट इज अंडरलाइन कर लेना, इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। भाई टैक्स पे करना ऑप्शनल है क्या या मैंडेटरी है? भाई साहब ये ऑप्शनल होता तो कोई नहीं देता, ये एक मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन है। अब इवन दो रिकॉर्ड हो रहा है पर मैं बता दो, टैक्स ये लीगल हफ्ता है, टैक्स ये लीगल हफ्ता, मैंडेटरी है, देना पड़ता है, हफ्ता देना ही पड़ता है, लीगल है, जिसका लॉ पास हुआ है, ठीक है। भाई गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देती है, इंफ्रा देती है, डिफेंस प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, इंफ्रा देती है, ओके। उसके बाद में गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए खर्चा लगता है, और वो खर्चा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्स, वो रेवेन्यू होता है। इट इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेस, ठीक है। अब बेटा टैक्स जो है दो इसमें डिवाइड हुआ है, बताओ बच्चों कौन से दो इसमें टैक्स डिवाइड हुआ है? एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट टैक्स हमें जो देखना है, ठीक है। तो नालायक हो उसको भाई इतनी जल्दी टाइम पास मत कर, बस नालायक स्टार्ट भी नहीं किया अभी से टाइम पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा नींद आ रही है? नहीं ना, लंबी सांस ले, छोड़ छोड़ नालायक छोड़ ओके तो चलिए यहां पे डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बताओ तुम्हारा दे दो। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता है, मतलब जो हमारी टोटल इनकम है उस पर कलेक्ट होता है, एंड वी हैव टू पे, मतलब वी हैव टू पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो प्राइस में इंक्लूड होता है, वो हमको पता नहीं चलता है कि वो प्राइस में इंक्लूडेड है, वेरी गुड, पर वो प्राइस में इंक्लूडेड होता है। और अच्छा डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता क्यों? है जैसे कि जैसे कस्टमर से वो कलेक्ट कर सकते हैं जो क्यों बिकॉज जो गुड्स जो बाय करते हैं फॉर एग्जांपल वो उस पर जो उसका बर्डन जो है वो कस्टमर से उसके प्राइस के साथ ही कलेक्ट कर सकते हैं, और वो जो इंटरमीडिएट जैसे कि सेलर है वो गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं उनसे लेके। व्हाई? अच्छा एक 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 आप डिफरेंस कंक्लूड करते हैं, और डायरेक्ट टैक्स इज पेबल बाय डायरेक्टली कंसर्न बाय अ पर्सन हु बोर्न द टैक्स, बट इनडायरेक्ट टैक्स इज अ ट्रांसफरेबल टैक्स, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यस सर, इसलिए अलग से मतलब बर्डन शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कंज्यूमर से लेंगे तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे से इनकम पे भी टैक्स लेते हैं, मैं सामान लेता हूँ उस पर भी टैक्स लेते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया बट सर इसे अच्छा इधर कोई अच्छा डिफरेंस बताओ, लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक मैं बताऊंगा, और कोई एडिशनल डिफरेंस? डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स उसमें इंक्लूडेड होता है जो अच्छा एक डिफरेंस मैं सपोर्ट करता हूँ, शी वॉन्ट टू से कि डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी, ओके, वेर एवर यू अर्न द इनकम उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, जिसे हम नाम देते हैं इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है, सॉरी डायरेक्ट टैक्स में इनकम के ऊपर होता है, मतलब अगर इनकम ज़्यादा है तो उस पर सरचार्ज वगैरह ऐड होते हैं, पर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सबके लिए सेम होता है, मतलब सबको सेम पे करना पड़ता है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है कि इनकम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग पे करना। वेरी गुड, इन योर ओन वर्ड्स आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा हम उसको लीगल कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है, एक माइक इधर शिफ्ट कर देना। तो डायरेक्ट टैक्स हम थोड़ा ऐसा लेते हैं,
डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन कमोडिटीज गुड्स और सर्विसेस, इट इज यूनिफॉर्मली अप्लीकेबल टू ऑल पर्सन whoever purchased that commodity, whoever purchased that goods, whoever that purchased that services. यहाँ कोई मतलब हो सकता है कोई यहाँ पे फैमिली रिच क्लास होगी, मिडल क्लास होगी, अपर मिडल क्लास होगी, पुअर क्लास होगी, पर जब आप मेरे से सर्विस ले रहे हो तो सबको एक जैसा समान बर्डन है. अरे हाँ, है ना. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इनकम पे नहीं, इनकम इनडायरेक्ट टैक्स सर्विसेज पे. इफ यू वॉन्ट दिस सर्विस यू हैव टू पे दिस टैक्स. ये समझ में आया ना. तो वो यूनिफॉर्मली सबको हम यहाँ पे सेम रेट से चलता है. ठीक है. और सर वही था कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. वेरी गुड. और कोई को भी कुछ प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ऐसा कुछ? यस यस. कोई इधर, कोई इधर, उधर कॉर्नर में, इधर कोई. हाँ उधर माइक दो. अर्जुन एकदम हाँ. सर डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है. फॉर एग्जांपल कि जितनी इनकम है जिसकी उसके हिसाब से उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है. मतलब अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम इनकम है तो कम टैक्स लगेगा. और मीनवाइल अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सब पे रेट सेम है. अगर किसी की इनकम पे इसका कोई असर नहीं पड़ता. ओके बिल्कुल सही, आपने भी सही बताया. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई करो. ओके और कोई आप एडिशनल डिफरेंस प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. ओके मैं बहुत बेसिक से लेके जाऊँगा, थोड़ा स्लो भी लगेगा तो चलने दो. ठीक है. पर जो हम बेस तैयार करेंगे इसका इम्पोर्टेंस आपको बाद में समझेगा, बाद में समझेगा. ठीक है. मेरे 10 पहले 10-15 लेक्चर कोई हालत में मिस मत करना. आगे आने वाले हर कंसेप्ट की डोर यहां बनती है और ये नहीं समझा तो आपको आगे का समझने वाला नहीं है. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. आज मेरी बैच चालू हुई. आई अर्न सम इनकम, लेट्स अज्यूम रुपीज 5 लाख. नहीं नहीं इतना कहाँ कमाता हूँ. ओके इतना तो शुभम सर जय सर कमाते, मैं कहाँ कमाता हूँ. हाँ तो जहाँ तक देखा जाए तो 5 लाख का हमारा इनकम हुआ. ठीक है. अब समझ लो, सुनो सुनो नालायक सुनो. हाँ तो अब यहाँ पे 5 लाख का इनकम हुआ. समझ लो ये पैसा मैं घर पे लेके जा रहा हूँ. मेरे वाइफ को पता चला आज बैच हो रही, इनकम आज बैच हुई, पैसा आया है. तो मेरे वाइफ ने कहा ओ जी सुनते हो. अब आजकल ओ जी कौन बोलता है? आजकल बोलता है सोना बाबू. ओके सोना सोना. हाँ तो अब ऐसा है कि ओ जी सुनते हो? हाँ करेक्ट विशु. ओके तो विशु सुनते हो? तो मैंने कहा हाँ बोलो इशू. अब ये शायद ऑनलाइन स्टूडेंट वालों को नहीं पता, बता देता हूँ. ओके देखो भाई मेरा नाम क्या है? विशाल. और मेरे वाइफ का नाम है? तो इशू विशू चलते रहता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे मैंने अर्न किया 5 लाख रुपए. अब हुआ क्या कि मैंने अज्यूम करते हैं 5 लाख का 10%. अभी वो बेसिक डिडक्शन वगैरह छोड़ दो. ठीक है. कितना एक फ्लैट रेट लेता हूँ 5 लाख का 10%. मैंने क्या पे किया? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स पे कर दिया. किसको पे किया? गवर्नमेंट को. ठीक है. अब ये इनकम टैक्स जो मैंने 5 लाख का पे किया, कितना पे किया समझ लो? 50,000. इसमें बेसिक एग्जम्पशन वगैरह अभी वो मत लो, एक प्लेन ट्रांजेक्शन लेते हैं. ठीक है. तो मेरे पास कितना बचा बेटा? 4,50,000. अब मेरी वाइफ आई और उसने कहा विशु मुझे आज शॉपिंग करने जाना है. मैंने कहा हाँ. तो आई नीड 50,000. नहीं नहीं आवाज़ नहीं नहीं देखो क्या है
शादी के बाद आप एक्सपीरियंस करोगे आवाज जल्दी नहीं निकलती ठीक है। तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ 50,000, मैंने कहा छोड़ जा रहे, तो कौन बहस करेगा इतना क्यों चाहिए क्या चाहिए, क्योंकि फिर दूसरा सवाल हो जाता है टाइम तो देते नहीं हो ठीक है। तो अब ऐसे केस है जहाँ तक है, तो मैंने कहा ठीक है इशू, तुझे 50,000 देता हूँ। मैंने उसको जो दिए ना, उसने कितने मांगे थे 50, मैंने 45,000 उसको दिया। कितना दिया? 45। शी सेड, विशाल मैंने 50,000 मांगे हैं, तुमने मुझे 45 दिए। मैंने कहा हाँ, अरे रुक जाओ, 10% मैंने इनकम टैक्स दिया है, बर्डन पास ऑन, ऐसा समझो 50 मिल गए। माय वाइफ इज इंटीरियर डेकोरेटर, 50 कहाँ मिले, 45 मिले। तो मैंने कहा 50 दिया ना, बर्डन पास ऑन, चलेगी। ओके, यहाँ पे यार 45 पहले ही क्या ना, 50 मांगो तो 45 देते, बर्डन पास ऑन, कौन सा इनकम टैक्स का, चलो वाइफ का तो हो गया। अब बेटा सेकंड, मेरा बेटा आया और उसने कहा कि पापा फीस चाहिए, स्कूल की फीस देना है। मैंने कहा कितना? उसने कहा 1,00,000। मैंने उसको 90,000 दिए, मैंने 90,000 दिए। मैंने बेटे 90,000 दो, स्कूल में दे दो। उसने कहा पापा स्कूल में 1,00,000 देना है। मतलब स्कूल वालों को कहो बर्डन ठीक है, बर्डन पास ऑन। फिर मेरे पेरेंट्स पापा है, उन्होंने कहा बेटा मुझे 50,000 चाहिए थे, मैंने क्या किया 45 दिए, और मैंने कहा बर्डन पास ऑन पास ऑन। भाई साहब पूरी फैमिली परेशान और मैं ऋतिक रोशन बर्डन पास ऑन ठीक है ओके। तो मैं ऋतिक रोशन क्या, बर्डन पास ऑन। तो जहां तक देखा जाए तो थोड़ी देर बाद पता चला कि मैं घर के बाहर, सब घर के अंदर और सब अंदर बर्डन। भाई आपको सुनने में भी अजीब लगता है, अरे यहाँ आया ना, ये क्या है नाटक कि बर्डन पास ऑन। भाई कभी आपने देखा नहीं होगा, बर्डन मैंने लिया पर इट इज नॉट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो तो इनकम में से शेयर हुआ। चल इतना समझा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कमोडिटी टैक्स है। आज के ट्रांजेक्शन में कैसा लगता है, एक होता सेलर एक होता है बायर, दोनों करते हैं ट्रांजेक्शंस गुड्स के सर्विस के ओके, कमोडिटीज के ट्रांजेक्शन सेलर और बायर। तो अब यहाँ पे अगर सेल हो रहा है तो ये आपने क्या पढ़ा, कोई गुड्स दे रहा है या कोई सर्विस दे रहा है, तो इसके ऊपर प्राइस होती है और ये प्राइस 1,00,000 रुपीज, और 1,00,000 पे क्या लगता है जीएसटी। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक ही जीएसटी लिखूंगा, आपने प्रिज्यूम कर लेना, इंट्रा होगा तो CGST SGST ओके, इंटर होगा तो IGST, समझ में आएगा। तो ऐसे केस में ओके, जीएसटी जो है कोई भी समझ लो 12% से कितना 12,000 ये लगा, तो नो डाउट इनवॉइस में बर्डन पास ऑन हो जाता है। पर मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, बायर या सेलर? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर और सेलर टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑन दैट गुड्स और कमोडिटीज, गुड्स और सर्विसेस और कमोडिटीज ठीक है। तो ये जो था ये आपने देखा, चलिए थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। जैसा किसी ने ये कहा यहाँ पे कि इनकम टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी बट इनडायरेक्ट टैक्स इज अ कमोडिटी टैक्स। मुझे ये बताओ बिजनेस इनकम पे टैक्स लगता है क्या? हाँ, इनकम टैक्स लगता है, PGBP उस पर ही पढ़ा आपने। दूसरा क्वेश्चन, इनकम टैक्स ओनली बिजनेस वालों को लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, आपने 5 हेड पढ़े होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी क्या, और लास्ट में तो अदर रखा है ओके, लास्ट में तो अदर। किसी से कोई भी सोर्स से पैसा मिला आपको,
आपको पैसा मिला कि गवर्नमेंट कहती है मुझको भी चाहिए, आपको मिला तो मुझको भी चाहिए, वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में आपको मिला मुझको भी चाहिए, समझ में आया। तो ऐसे केस में भाई साहब एक बंदे का एग्जाम्पल लेता हूं, समझ लो सेलर है, सेल कर रहा है, पूरे साल का टर्नओवर, क्योंकि इनकम टैक्स में ईयरली देखा जाता है, अरे यस और नो, समझ लो पूरे साल भर में उसका एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, एक ही ट्रांजेक्शन, ऑनली वन, उसकी प्राइस है 20 लाख, एक ही ट्रांजेक्शन। अच्छा ट्रांजेक्शन हुआ तो अभी कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। पहले लगते थे एक्साइज वैट, पर अब कौन सा लगता है? जीएसटी। अभी मैं जस्ट एक वर्ड यूज करूंगा इसके ऊपर, जीएसटी, आपके ऊपर ये समझ लो जीएसटी लग गया या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, अभी हमने जीएसटी स्टार्ट नहीं किया इसलिए कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, समझ लो यहां पे एट द रेट 10%, मैं मेरे कैलकुलेशन के लिए 10% ले रहा हूं, समझ में आया क्या? वो 12 फिर ऑड अमाउंट आती है तो 10%, तो कितना? 2 लाख रुपीस आपने बेचा, ठीक है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बच्चों सेल की जर्नल एंट्री बताओ, क्रेडिट होगा तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, या कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स कितने से होगी? 22 लाख से, ग्रॉस से या नेट से? ग्रॉस। दो तरीके हैं, ठीक है, आप नेट पे कर सकते हो और जीएसटी पेबल अलग से निकाल सकते हो, मतलब नेट सेल 20 लाख। ओके, तो आपकी जर्नल एंट्री ऐसी, देखो बहुत बेसिक से जा रहा हूं, स्लो लगे तो भी जाने दो, मुझे बहुत कुछ बोलना है, धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी। अगर ये क्लास में किसी भी लग रहा है कि सर स्लो है, हाँ हो बोलो, मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है, कौन से स्टेज पे स्पीड बढ़ानी है, कहाँ हमको नालायक तो जहां तक देखा जाए वो तो ठीक है, तो यहां पे साइलेंट प्लीज, बिगाड़ के रखा है तुम सब लोग, बिगाड़ के रखा है, हाँ। तो यहां पे कंट्रोल वापस, हाँ। तो जहां तक यह प्राइस 20 लाख, जीएसटी 2 लाख, तो टोटल कितना? 20। दो टाइप की जनरल एंट्री हो सकती है, एक ग्रॉस पे, ग्रॉस पे अगर हम ले तो कस्टमर अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक या कस्टमर, कितना? 22 लाख। टू सेल्स, कितना? 22 लाख, डन। या फिर नेट पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है नेट पे करो अगर आपको आईटीसी मिलते हैं तो, अभी सर आईटीसी क्या होते हैं बाद में देखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट मिलते हैं, तो अगर रियल अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है तो नेट पे करो। नेट पे कैसी एंट्री होती है? बैंक या कस्टमर, कितना? 22, हमको आ रहा है 22। टू सेल्स, हाँ टू सेल्स 20 लाख, ठीक है। टू जीएसटी पेबल, ये समझ में आया क्या? टू जीएसटी पेबल 2 लाख, और पेबल जो है हम क्रेडिट लेने के बाद कैसे पे कर देंगे, हम नेट पे चलते हैं, ठीक है, हम नेट, दिस इज अ करेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। नाउ अगर हम नेट पे जाते हैं तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि साल का एक ही ट्रांजेक्शन है, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस में सेल्स का बैलेंस दिखेगा, अरे यस और नो, और ये यहां पे सेल्स दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिखेगा? 20 लाख, ठीक है, 20 लाख दिखा। अब मुझे ये बताओ कि ये 20 लाख पे ऑलरेडी मैं एक टैक्स पे कर चुका हूं जिसका नाम है, आप जीएसटी बोलो या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स बोलो,
ऑलरेडी 20 लाख पे, एंड दैट बर्डन इज पास ऑन टू द कस्टमर, कस्टमर को पास ऑन किया है। अब केयरफुली यहां सभी ने ध्यान देना, दिस इज द मेन टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे 20 लाख जो है सेल्स हो गया, परचेसेस दिखाई जाएगी, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाया जाएगा रिलेटिंग टू परचेसेस, आपका जीपी निकल जाएगा, जीपी कैरी फॉरवर्ड, और यहां पे जो भी जीपी ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। फिर आपके एक्सपेंसेस, अरे यस और नो, और यहां पे आएगा आपका आफ्टर डिप्रिसिएशन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका 20 लाख में से बचा 3 लाख रुपीज। मुझे ये बताओ आपका जो शुद्ध इनकम बचा है कितना, 3 लाख आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, इसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो इस पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स, यस और नो? अब इस पे भाई साहब इनकम टैक्स लग रहा है, तो आप ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रहे हो, इस पे जितना भी देना है। अब मेरा आपसे क्या सवाल है, अगर मैं ये 20 लाख पे ऑलरेडी टैक्स बर्डन ले चुका हूं, ठीक है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, पर ये 20 लाख का 2 लाख में गवर्नमेंट को टैक्स दे चुका हूं, अरे यस और नो, तो उसी 20 में से ये 3 लाख बचे है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये 20 लाख का जो भी टैक्स बर्डन आया था इनडायरेक्ट टैक्स का, अज्यूम 10%, तो 10% अगर मैं गवर्नमेंट को दे चुका हो तो उसी 20 में से 3 प्रॉफिट बचा, और ये 3 लाख जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर फिर से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कौन सा, इनकम टैक्स। क्या आपको नहीं लगता कि ये डबल टैक्सेशन है? गवर्नमेंट ने 20 पे भी ले लिया और उसी 20 से जो 3 बचा, ये समझ में आया ना, उसी 20 से 3 बचा ना, उसमें गवर्नमेंट ने क्या ले लिया, इनकम टैक्स भी ले लिया। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लूट रही है? नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि ये डबल टैक्सेशन है? नहीं। क्यों? माइक 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 मैं सुनना चाहता हूँ, क्यों? हाँ माइक दो, एनीबडी? अरे भाई साहब क्या हो गया, वो थोड़ा ज्यादा ही दूर है, यहाँ दो, इधर उधर पसंद अजुन दोनों बुलेट हो, ठीक है, इधर कहाँ है, हाँ ठीक है ठीक है सर, क्योंकि हाँ सर, क्योंकि टैक्स जीएसटी जो रहता है वो हम लोग कस्टमर से क्लेम कर लेते हैं, इस वजह से डबल टैक्स नहीं लग रहा है, मतलब कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो, यस सर, कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए डबल, ये डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, डबल टैक्सेशन नहीं हो, नहीं हो, नहीं नहीं ठीक है, मैं तेरी बात मानता हूँ। और इनकम टैक्स सर, इनकम टैक्स उस पर लग रहा है जो इनकम उन्होंने एक्चुअल पे कमाई है, जो जीएसटी है वो एक्चुअल में उनकी इनकम थी नहीं, उन्होंने दूसरों से लिया तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चले गया, लेकिन जो सेल्स थी और उसके नेट प्रॉफिट जो आया 3 लाख है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स लग रहा है, तो वो उसका क्योंकि 20 लाख में इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी, 2 लाख जो अलग से जीएसटी था वो अलग से क्लेम किया गया था। ठीक है, दो सवाल पूछूंगा, पहला सवाल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जवाब दीजिए, वेरी गुड, आपके भी को मैं देख रहा हूँ, यस आहुति ओमकार, गुड बेटा, ठीक है। अब मुझे ये बता, ये 3 लाख रुपए समझ लो ये बंदे को कोई खर्चा नहीं है, इसके कोई खर्चा नहीं, ये 3 लाख रुपए का क्या करेगा सर? 3 लाख पे सबसे पहले टैक्स लगेगा, उसके बाद जो नहीं, हाँ उसके बाद जो बचा वो बिजनेस में मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं नहीं उसको कहीं नहीं रखना है, ओके उसको वो कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना, क्या करेगा? He will use it for his own expenses. नहीं, खर्चे भी नहीं है उसके कुछ भी। सर तो जेब में रखेगा। सिंपल वे में तिजोरी में रखेगा। हाँ। अरे आया ना। वही बोला, जेब में रखेगा। जेब में रखेगा, तिजोरी में रखेगा। तू इन्वेस्ट बोल रहा है पर इन्वेस्ट भी नहीं करना। Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ ये जानबूझ के मैंने थोड़ा ड्रिल किया, रीजन है उसका। मुझे अब एक सवाल है, ठीक है यार वो बायर दे रहा होगा, उसने बर्डन पास ऑन किया होगा, पर 20 लाख पे दे कोई भी यार, सेलर दे, बायर दे, इंडिया का कोई भी बंदा दे, पर तुझे नहीं लगता है क्या कि जब ये 20 लाख पे गवर्नमेंट के एंगल से देख,
गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 20 लाख का टैक्स ले लिया और उसमें से ही जो 3 लाख बचे उसके ऊपर क्या ले रही है गवर्नमेंट, इनकम टैक्स ले रही है। तो क्या गवर्नमेंट दो बार कलेक्ट नहीं कर रही है सेम ट्रांजेक्शन पे? नहीं, आईटीसी वगैरह कुछ भी मतलब बीच में, आप ये प्योरली टैक्स दे रहे हो 2 लाख, अरे है ना, और उसका इनकम है बेटा। यहां पे मैं बताता हूं लगता है ऐसा, और यहां से ही मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि यस ये 20 लाख जो है और ये जो यहां पे 3 लाख का बेनिफिट है। अब थोड़ा मैं ये डिस्कशन को पॉज करके पीछे जाता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। ये एग्जांपल आपके बुक में आपको दिख रहा होगा, पहले इनडायरेक्ट टैक्स का अप्रोच लेते हैं फिर वापस इधर आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का यहां पे सभी स्टूडेंट समझे, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कोई स्टार्ट नहीं हुआ कि किसी ने मेडिटेशन किया और आके खोल दी और आज से क्या इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, ऐसा नहीं हुआ। ये जो है एक बिजनेस टैक्स डेवलप हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स को बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। कैसे हुआ बता दो, पहले सिस्टम ऑफ मोनार्की थे गवर्न बाय किंग, समझ लो कोई दूसरे किंग का बंदा, सॉरी अगर दूसरे किंगडम का बंदा अगर इस किंग के किंगडम में आ रहा है तो इस किंग को पहले उसको गिफ्ट देना पड़ता था, ओके, खुश करना पड़ता था कि भाई मुझे परमिशन दो आपके एरिया में बिजनेस करने की। तो एग्जांपल के तौर पे यहां सब समझ लो ये 1000 बैग्स लेके आ रहा है जिसकी कॉस्टिंग है कितनी 1 लाख, तो इसमें की 100 बैग्स वो ओके एज अ टैक्स एज अ गिफ्ट देता था किसको, किंग को, कि भाई मुझे आपके एरिया में बिजनेस करने की परमिशन दो। ओके, उस गिफ्ट से जो है किंग खुश होता था, उस टैक्स से किंग क्या खुश होता था और परमिशन देता था कि चल तू मेरे एरिया में बिजनेस कर सकता है। ये समझा नहीं समझा? अब मुझे ये बताओ किंग को उसने पैसे चार्ज किए कि फ्री दिया? 100 बैग्स नहीं नहीं 100 बैग्स जो उसने किंग को दिया उसके पैसे चार्ज किए कि फ्री दिया? फ्री दिया, एज अ गिफ्ट दिया टू टेक दैट परमिशन टू डू बिजनेस इन हिज एरिया। अरे यस और नो? अब मुझे ये बताओ जब वो यहां पे 900 बैग्स यहां मार्केट में बेचेगा जिसकी कॉस्टिंग 1000 बैग की कॉस्टिंग उसको कितनी लगी? 1 लाख, उसमें से 100 फ्री दे दी टू गेट दैट परमिशन। अरे आया ना? तो अब अगर आपको अकाउंटिंग या कॉस्टिंग प्रिंसिपल समझते हैं तो अब उसके पास जो बची 900 बैग्स उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 90,000 हुई या 1 लाख है? 1 लाख हुआ 90,000 भाई साहब। अब उसकी कॉस्ट जो है ना, अगर हम बैग्स की कॉस्ट देखें तो 900 बैग्स की कॉस्ट कितनी? 90,000, लेकिन जो 100 बैग्स उसने फ्री दिया क्या उसके भी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी? यस यस और नो? उसके भी कॉस्ट ऐड हो जाएगी, मतलब अब जो 900 बैग्स का कॉस्टिंग कितना हुआ? 1 लाख हुआ। कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन जो उसको कॉस्ट लगा एज अ टैक्स बिजनेस करने के लिए, आई रिपीट, क्या बिजनेस करने के लिए, वो किससे रिकवर करेगा? कस्टमर से रिकवर करेगा। ओके, कोई भी बिजनेसमैन करेगा कि मुझे अब जो कॉस्ट लगी, ओके, जो भी मैंने फ्री दिया उसका मैं कस्टमर से लूंगा। ओके, और ये जो यहां पे 10,000 रुपीज है ये बर्डन पास ऑन, ये बर्डन पास ऑन, समझ में आया क्या? तो ये कोई इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे एक दिन सोच के लगाया गया ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है बेटा, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बिजनेस की प्रैक्टिस थी कि अगर मैं तुम्हारे किंगडम में बिजनेस करने आ रहा हूं तो जो कुछ भी यहां पे मैं एज अ गिफ्ट दूंगा उसकी कॉस्ट मैं प्राइस में रिकवर करूंगा, किससे? कस्टमर से, तो ही मैं प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ये समझ में आया? और ये तब से एक मेंटेलिटी, ओके, यहां पे मेंटेलिटी डेवलप हुई, तब से एक यहां पे ट्रेडिशन तैयार हुआ टू ट्रांसफर द बर्डन, व्हाट एवर द कॉस्ट आई इनकर्ड फॉर डूइंग द बिजनेस आई विल रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर। और वो कॉस्ट बढ़ा के कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, ओके, बर्डन ट्रांसफर कर रहे हैं। और आज बस इतना ही है कि हाँ, आज हम जो है अगर गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं तो वो हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, बट उसको सेपरेटली इन द नेम ऑफ जीएसटी रिकवर करते हैं एज अ कमोडिटी और सर्विस, क्योंकि ये टैक्स बिजनेस करने का टैक्स है और ये जो है बहुत पुराना टैक्स है। बिफोर 3000-4000 ईयर्स जब से ट्रेड चालू हुआ, जब से टैक्स देना या गिफ्ट देना चालू हुआ, तब से ये कस्टमर से रिकवर किया जा रहा है क्योंकि ये बिजनेस टैक्स है। इनकम टैक्स तो
डेवलप हुआ यहाँ पे 400-500 साल पहले, ये तो बहुत पुराना टैक्स है जी, समझ में आया क्या? ओके, तो यहां जहां तक देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स, हम बिजनेस करने का टैक्स लगा रहे हैं और जो कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। अब देखो क्या हुआ बेटा, अगर बात करें तो 500 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहां पे इनकम टैक्स जैसा वेल डेवलप्ड टैक्स कहीं नहीं था। हाँ, कुछ किंगडम में लगते था, लेकिन ऐसा सारे एरिया में लग रहा इनकम टैक्स, ऐसा कोई डेवलप्ड टैक्स नहीं था। फिर इनकम टैक्स का जन्म कैसे हुआ? क्या हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस कर रहा है तो उसको टैक्स जो लग रहा है बिजनेस करने के लिए, तो वो किससे रिकवर कर रहा है? कस्टमर से, और पे कर रहा है। तो जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो उसके तिजोरी में जा रहा है। अरे यस और नो? तिजोरी में जा रहा है, वो अपनी तिजोरी जमा करते जा रहा है। टैक्स लगा, बर्डन पास ऑन, टैक्स लगा, बर्डन पास ऑन, क्योंकि बिजनेस टैक्स लगा, और प्रॉफिट जो है वो अपने तिजोरी में जमा कर रहा है। धीरे धीरे इकोनॉमी दो क्लास में डिवाइड होने लगी, रिच क्लास एंड पुअर क्लास। समझ में है क्या? अंबानी, अदानी और पूरा इंडिया। अरे समझाया नहीं समझा? रिच क्लास एंड पुअर। जब ऐसी इकोनॉमी बनती है, इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर दैट कंट्री, दैट किंगडम। कुछ राजाओं ने सोचा कि अरे बाप रे, हम टैक्स तो लगा रहे हैं पर ये तो बर्डन पास ऑन कर रहे हैं, बिजनेस में रिकवर कर रहे हैं, और जब इनकी तिजोरी में पैसा आ रहा है तो अपने उस पर कोई टैक्स नहीं है। ओके, और तिजोरी भरते जा रही है। जब ये सिचुएशन आती है कि रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है कंट्री के लिए। ये समझ में आया क्या? तो फिर यहां पे एक डेवलपमेंट हुई टैक्स की, जिसका नाम आया क्या? इनकम टैक्स। कि अब हम जिसके तिजोरी में पैसा जमा हो रहा है उसके तिजोरी से निकालेंगे और पब्लिक में लाएंगे, जिसका नाम पड़ा क्या? इनकम टैक्स। और बेटा ये जो है ये बिजनेस करने के लिए टैक्स नहीं है, पीजीबीपी भी बिजनेस का टैक्स नहीं है, बिजनेस से कमाई हुई तिजोरी टैक्स है। मेरे समझ में आया? पीजीबीपी इज नॉट अ बिजनेस टैक्स, बिजनेस से कमाया हुआ तिजोरी में जो पैसा आया उसका टैक्स। तो डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम, निकालो और पब्लिक में लाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। वो पैसा कुछ लोगों के तिजोरी से निकाल के पब्लिक में लाना जरूरी है। ये समझ में आया क्या? और फिर डेवलप हुआ क्या? इनकम टैक्स। और रेट ऐसे बनाया गया कि तिजोरी में पैसा बढ़ेगा स्लैब भी बढ़ती जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा विड्रॉ करेंगे, 10%, 20%, 30% सरचार्ज। अरे आया ना सरचार्ज? तो इनकम टैक्स इज कंप्लीटली तिजोरी टैक्स। तो हम उसको स्टैंडर्ड वर्ड में कहते हैं, लीगल कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, इनकम टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज। समझ में आया क्या? और बहुत रॉ लैंग्वेज में कहो तो तिजोरी टैक्स। यस और नो? इनकम अर्निंग एक्ट। तो बस कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पे क्लियर था कि डोंट अलाउ एनीबडी टू accumulate income, withdraw it and bring it to the public. हाँ, जिसका पैसा जाता है 30% plus surcharge plus this total 36%, अरे है ना, उसको दुख होता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, कमा रहा हूं, अरे है ना, और गवर्नमेंट सीधा सीधा 36%, अरे यस और नो? गवर्नमेंट सीधा सीधा 36% निकाल रही है, मेहनत मैं कर रहा हूं। लोगों को इनकम टैक्स देने में जान पे इसलिए आती है, क्यों? क्योंकि पूरा सीधा 36% निकल जाता है इंडिविजुअल अगर होगे तो। ओके, और यहां पे एंड बर्डन इज नॉट ट्रांसफरेबल, क्योंकि तिजोरी से निकाला हुआ पैसा है, यू कैन नॉट ट्रांसफर इट फ्रॉम 1% टू। इसलिए यहां पे इनकम टैक्स और जीएसटी, डीटी एंड आईडीटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है। इनडायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट है
टैक्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस एक्टिविटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज. समझ में आया ना, गुड्स और सर्विसेज. और इनकम टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी, इनकम अर्निंग एक्टिविटी. ठीक है, तो पहला सवाल आपसे पूछता हूं, थोड़ा हम स्लो भी गए होंगे तो भी जरूरी था. ओके, पहला सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या यहां पे ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो यहां हमने देखा, तो डायरेक्ट टैक्स टोटल प्राइस पे लगता है या नेट इनकम पे लगता है? हाँ, नेट इनकम पे लगता है, एक्सपेंसेस डिडक्ट होने के बाद. क्योंकि जितना नेट तुम तिजोरी में डालोगे उसमें टैक्स लगेगा. ये समझ में आया क्या? तिजोरी में. और दूसरा ये बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स नेट प्रॉफिट पे लगता है या ग्रॉस प्राइस पे लगता है? क्योंकि वो बिजनेस टैक्स है. समझ में आया कि वो बिजनेस टैक्स. आई होप यू अंडरस्टूड. दूसरा सवाल मुझे ये बताओ यहां पे कि इनकम टैक्स और यहां पे जीएसटी, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इमीडिएटली देना पड़ता है, एज सून एज आई अर्न द इनकम पे द टैक्स? ऐसा नहीं है. कैसे पे करना पड़ता है? इसमें दो ईयर होते हैं, एक असेसमेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ऐसे दो ईयर होते हैं. अरे ये समझा कि नहीं समझा? अच्छा, कोई बता सकता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्यों? इन शॉर्ट, जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा तब तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा, और जब तक प्रॉफिट नहीं निकलेगा तब तक इनकम टैक्स नहीं लगा सकते. अच्छा सर, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस हम मंथली क्यों नहीं निकाल लेते इनकम टैक्स के लिए? मंथली इसलिए नहीं निकालते कि बहुत सी कॉस्ट डायरेक्ट होती है, बहुत सी कॉस्ट इनडायरेक्ट होती है, इसलिए वन फाइनेंशियल ईयर इज मोर एप्रोप्रिएट. अरे यस और नो? ऐसा नहीं है कि मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और मंथली प्रॉफिट का टैक्स दो. नहीं, एक ईयर एक रीजनेबल पीरियड है, इसलिए जो असेसमेंट ईयर में आपने पैसा कमाया, सॉरी जो प्रीवियस ईयर में आपने पैसा कमाया उसका टैक्स आपको कब देना पड़ता है? असेसमेंट ईयर में. यस और नो? असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है. तो टैक्स यहां पे ईयरली पे होता है. हाँ, वो बात अलग है कि एडवांस टैक्स, टीडीएस, वो बात अलग है, वो प्रोसीजर मैकेनिज्म है, पर एक्चुअली देखा जाए तो ईयर होने के बाद. मुझे ये बताओ यहां पे जीएसटी कैसा पे होना चाहिए? सेलर और बायर, और सेलर और बायर प्राइस है 20 लाख, तो जीएसटी कैसा है, ईयर होने के बाद या इमीडिएट? हाँ, इमीडिएट. जब गुड्स जा रहा है, सर्विस जा रहा है, इमीडिएट होना चाहिए क्या? इमीडिएट होना चाहिए. अच्छा, आपने कस्टमर से इमीडिएट कलेक्ट कर लिया, और गवर्नमेंट, अब आपने तो कलेक्ट कर लिया इमीडिएट इनवॉइस में, तो गवर्नमेंट को कब होना चाहिए, ईयर होने के बाद या इमीडिएट? गवर्नमेंट को भी इमीडिएट. गवर्नमेंट कहती है तुझको मिला मुझको भी चाहिए. अरे हाँ भाई, प्रॉब्लम क्या है? तूने टैक्स कलेक्ट कर लिया ना, तो तेरे को भी इमीडिएट देना पड़ेगा. तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अगर गवर्नमेंट ने ये जीएसटी असेस और कलेक्ट ईयरली किया तो गड़बड़ क्या होगी? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपका और मेरा. इमेजिन करो, अगर होता, मैं ऐसा इमेजिनेशन में बहुत पढ़ाता हूं, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता. अरे समझ में आया क्या? इमेजिन करो आप एडमिशन लेने आए और जीएसटी ईयरली टैक्स होता, तो मैं आपको ये कहता कि देखो अभी एडमिशन ले रहे हो, अभी मेरी फीस है 10,000 प्लस जीएसटी, पर जीएसटी अभी नहीं लूंगा आपसे, ईयर होने के बाद आना मस्त पे की, अरे हाँ एक साल बाद आना, फिर मुझे जीएसटी देके जाना. ओके, जीएसटी देके जाना. इमेजिन आपने कहा हाँ सर, यस यस बिल्कुल आएंगे सर, बहुत आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एक साल बाद आएंगे, आपको जीएसटी देके जाएंगे. साल होने के बाद मेरा स्टाफ कॉल कर रहा है, आपका जो जीएसटी का पेमेंट है वो कलेक्शन करे किया जाएगा और पे किया जाएगा. आप कहोगे हेलो, हाँ कौन? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कौन? अगर आपको ये कहूं तो कोई देने वाला नहीं. इसलिए जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो ट्रांजेक्शन के बेस पे कलेक्ट होता है, और गवर्नमेंट को भी वो ट्रांजेक्शन बेस ही दिया जाता है. अरे ये सुनो, तो यहां पे
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे कोई असेसमेंट ईयर नहीं है, यहां पे कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, क्योंकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, ये ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मेरे ये सब्जेक्ट में आपको कोई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, ओके आपको ट्रांजेक्शन के बेस पर असेस करना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट ने बस इतनी रियायत दी है कि वैसे तो जैसे ही ट्रांजेक्शन आपका होता है गवर्नमेंट को जीएसटी देने की लायबिलिटी आ जाती है, पर गवर्नमेंट आपको एक कन्वीनियंस देती है कि हम इमीडिएट ट्रांजेक्शन के बेस पर नहीं लेंगे, हम आपसे टैक्स मंथली बेसिस पे लेंगे। आई रिपीट द वर्ड, क्या? मंथली बेसिस पे लेंगे। वैसे तो ट्रांजेक्शन होती ही लायबिलिटी आ गई, पर गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा मत करो नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगा। ट्रांजेक्शन होती टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ा, तो एक स्टूडेंट ने एडमिशन ली, अरे जा जल्दी गवर्नमेंट का चालान पे कर, फिर तब तक दूसरा स्टूडेंट रुक जाओ गवर्नमेंट का चालान बाकी है। भाई साहब ऐसे हजारों स्टूडेंट कनेक्टेड है, ओके अगर मैं हर ट्रांजेक्शन पे देते रहा तो पता चलेगा बिजनेस अलग, मैं सिर्फ टैक्स ही दे रहा हूं। गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी दी है। क्या दी है कन्वीनियंसी? कि ठीक है हमें लायबिलिटी तो आ गई आपकी ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट को देने की, पर पे करते वक्त आप एक पीरियड ले लो, कितना पीरियड दिया है? मंथली, और मंथली टैक्स आपको देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो? तो ये था, तो इससे एक बात समझ लो कि यहाँ पे दो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब दोस्तों आपका ये सवाल होगा कि सर ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एक क्वेश्चन था कि प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या रिग्रेसिव इन नेचर, उसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ओके अभी 15 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। मैं लेता हूँ, सब लेता हूँ। ओके आपके सारे क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि हाँ क्वार्टरली भी आएगा बेटा, आगे क्वार्टरली भी आएगा। नहीं नहीं हाँ अमरावती ये था ना।
Thank you.
हॅलो ओके याना समोरून नको जाऊ दे कोणाला आयदर ऐकून किंवा ऐकून ठीक आहे वेल 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 सभी कनेक्ट हो जाओ तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके क्या क्वेश्चंस है पहला क्वेश्चन मैं ये बता दूं जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है सर हमारा डीटी का बैकलॉग है तो क्या हमें जीएसटी समझ में आएगा बिल्कुल समझ में आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए आप जीएसटी रेगुलर बेसिस पे करें और बचा हुआ डीटी का बैकलॉग आप बाद में करें तो भी चलेगा दूसरा सर हमारे हमने इनकम टैक्स अदर फैकल्टी के पास लगाया है और अभी तक वहाँ क्लास ख़त्म नहीं हुए हैं तो मैं आपको कहूँगा कि इनकम टैक्स जो बेटा और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको ये बोल दो कि इनकम टैक्स के अगर कुछ लेक्चर्स बाकी हो गए तो वो आप ऑनलाइन बैकलॉग बाद में भी कवर कर सकते हो पर जीएसटी का मेरा इनिशियल डिस्कशन मत छोड़ना नहीं तो आपका इनकम टैक्स भी जाएगा और जीएसटी भी जाएगा तो कुछ भी करके जीएसटी आप कनेक्ट हो जाइए रेगुलर बेसिस पे करें आप अपने फ्रेंड्स को भी यही एडवाइस करें उसके बाद में हाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है यूनियन टेरिटरी पहली बात तो यूनियन यूटी जीएसटी ने बेटा सीजीएसटी को रिप्लेस नहीं किया है यूटी जीएसटी ने एसजीएसटी को रिप्लेस किया है मतलब आपको सीजीएसटी तो लगना ही है बस इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी आपको क्या लगेगा यूटी जीएसटी ओके उसके बाद में आपका क्वेश्चन है सर आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन मतलब ठीक है सर ऐप ग्रुप का क्यूआर कोड यहां भी शो कर दीजिए यस मैं शो कर दूंगा ऐप ग्रुप का क्यूआर कोड अभी मैं जनरेट कर लेता हूं कल बता दूंगा आपने स्कैन कर लेना सर व्हाई दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी इफ देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेचर इन दिल्ली इसका डिस्कशन हमारा स्पेशल 3 UT पे आएगा दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडेचेरी जिसके ऊपर हम 10 मिनट का डिस्कशन करेंगे वो आगे कवर होगा सर कॉपी कितने पेज का लगेगा मैं बहुत बार बोल चुका हूँ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर के लिए 200 जो हमारी डेली प्रैक्टिस रहेगी और आपका चार्ट के लिए 100 पेजेस सर जो हुआ वो अच्छा हुआ यस यस ये डायलॉग आज रह गया सर अगर किसी के क्वेश्चन यूटी जीएसटी के बारे में है तो मैं आगे कवर कर लूंगा सर व्हाट इज एमसीक्यू वीडियोस बेटा एमसीक्यू वीडियोस जो है मैं कोशिश करूंगा वैसे तो मैं प्रोवाइड नहीं करता हूं पर अगर हो सके तो वो भी मैं बनाऊंगा पर 100% गारंटी के आप साथ कहता हूँ आज तक जितने भी आपके सीनियर है हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी डेप्थ में जाते हैं कि एमसीक्यू आपको वैसे ही समझ जाते हैं आपको कोई भी टफ नहीं जाता है एमसीक्यू और मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर किसी को इनकम टैक्स हार्ड गया होगा तो आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है जीएसटी अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ क्लास करते हो और पढ़ते हो तो जीएसटी रियली बहुत इजी है अच्छा स्कोरिंग भी है ठीक है चलो बेटा आपके अगर कोई भी डाउट और क्वेश्चन हो गए ऐप से रिलेटेड इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ओके तो अभी तो यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स है आप देख सकते हो और आखिरी में ये सेशन के एंड में आप मुझे ऑर्डर आईडी वगैरह दीजिएगा दिल्ली वाला यूटी जीएसटी वाला मैं आगे बताऊंगा आगे आपको सर स्क्रिबल मतलब जो मैं लिखता हूं स्क्रिबल करो तो ये अच्छा है पर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ओके यानी आप अगर मेरे साथ लिखो पर मेरे स्पीड में लिखना पड़ेगा मैं रुकूंगा नहीं तो एक आप डायरी में स्क्रिबल बहुत अच्छी बात है जिससे आपको नींद नहीं आएगी और आप इन्वॉल्व रहोगे क्योंकि 3.5 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो इसमें भी ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बहुत नींद आने के चांसेस है लेकिन
आप अगर लिखते हो तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ता है, आपका अटेंशन बहुत बढ़ता है और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बढ़ता है। तो स्क्रिबल करना अच्छी बात है, मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा। ठीक है, चार्ट्स वगैरह बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। देखो जब तक पहला चैप्टर नहीं होता है तब तक आपके जो ये क्वेश्चंस है पेंडिंग रखो, मैं आपको गाइड करते रहूँगा टाइम टू टाइम और आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे। ये जो डायग्राम दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, ये डायग्राम दिख रही है? चलो ये जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट लिख लो डायग्राम पे। ओके, सबसे पहले लिखो कि बैग्स 1000 बैग्स थी और कॉस्टिंग थी 1 लाख। ये वो बुलक कार्ड दिख रही है, उसमें बैग्स दिख रही है, कितनी बैग्स थी 1000 और कॉस्टिंग कितना था 1 लाख। अच्छा, किंग को कितना बैग्स फ्री दिया? 100 बैग्स। 100 बैग्स गिफ्ट कर देना, वहां पे गिफ्ट कर देना। SGST, UTGST और IGST से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए तो रुक जाओ, और मैं सबको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ने दो, आपके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। B2B, B2C, अरे समझ में आया क्या? सारे मुझ पे ट्रस्ट रखो, सिर्फ आपके जो क्वेश्चन है आप साइड में लिख दो एक रफ में और आगे बढ़ जाओ। डोंट यू आर स्टक विथ एनी डाउट। ठीक है, हाँ, उसके बाद में जब वो मार्केट में बेचेगा, लिखो 900 बैग्स की कॉस्टिंग कितनी है? 90,000। पर क्या वो 100 बैग्स का जो किंग को फ्री दिया वो भी ऐड करेगा? यस, वो भी कॉस्ट ऐड करेगा, कॉस्ट ऑफ 100 बैग्स जो किंग को फ्री दिया। तो टोटल 900 बैग्स की कॉस्टिंग कितनी हुई? 1 लाख। उसका प्रॉफिट कितना? 10,000। और इसको ऐसा हाईलाइट करके लिखो बर्ड यहां पे, बर्डन पास ऑन, ओके, जो 100 बैग्स का बर्डन पास ऑन किया गया ठीक है बेटा, कोई कमेंट नहीं। रुक जाओ बेटा, दिनकर रुक जाओ, धीरे धीरे समझेगा, वेट फॉर योर क्वेश्चन। यूटी के, यूटी से स्टेट में अगर होता है तो IGST लगेगा। अक्षत रुक जाओ, रुक जाओ, हम बहुत बेसिक स्टेज पे, अभी बहुत ही बेसिक स्टेज पे, अभी आपके सारे क्वेश्चन होल्ड करके रखो। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस होल्ड करके रखो, हम बहुत बेसिक स्टेज पे अभी। डन, अभी ब्रॉड सेंस में, एक मेरे वर्ड पर एम्फसाइज करना, अभी ब्रॉड सेंस में ये समझ लो, मैक्रो सेंस में ये समझ लो कि DT और IDT के ऑब्जेक्ट्स अलग है। मैक्रो सेंस में समझ में आया ना, दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है, अगर मैक्रो सेंस में देखा जाए तो ये डबल टैक्सेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अलग है। एक तिजोरी टैक्स है और एक बिजनेस टैक्स। बहुत माइक्रो सेंस में जाओ, माइक्रो सेंस में जाओ मतलब कि अगर आप देखो कि तो हाँ, ये डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट देता है। कैसे देता है कि यहाँ पे अभी एक मेरे ब्रेक में क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने 5 लाख रुपए कमाए और आप 5 लाख से कोई यहाँ टेलीविजन लेने गए तो टेलीविजन पे GST लगा, तो आपको तो आपने इनकम टैक्स भी दिया और टेलीविजन खरीदा तो उसके ऊपर GST भी दिया, तो यहाँ तो आपको डबल लग गया। तो यस, बहुत ओके, माइक्रो सेंस में देखा जाए तो डबल है, बहुत माइक्रो सेंस में देखा जाए तो डबल है, पर दोनों के ऑब्जेक्ट अलग है। ये समझ में आया ना, एक कमोडिटी टैक्स है, मत खरीदो टीवी, तो ऐसे कैसे होगा टीवी नहीं खरीदा तो? अरे आया ना, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा? ओके, तो भाई तुम्हारा सवाल है, जिसको टीवी खरीदना है वो टैक्स दे, जिसको बेनिफिट्स लेने हैं कमोडिटी के वो टैक्स दे, जिसको सर्विस के बेनिफिट लेने वो टैक्स दे। बेसिक सर्विसेज एग्जम्पशन में, आगे में पढ़ा होगा, बहुत सारे एग्जम्पशन है। बेसिक गुड्स एग्जम्पशन में, अगर आप वेजिटेबल खरीद रहे हो तो उसके ऊपर GST नहीं है, अरे है ना, अगर आप अनाज खरीद रहे हो तो उसके ऊपर GST नहीं है,
पर जिसको बाकी टीवी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो एंजॉय कर रहे हो फिर? अरे यस और नो? फिर एंजॉय कर रहे हो, फिर उसका टैक्स भी दो, क्योंकि ये कमोडिटी टैक्स है। बेसिक सर्विसेज, लेट्स टेक एग्जांपल, हेल्थ केयर सर्विस, ओके, डॉक्टर की सर्विस पे एग्जम्पशन है, अरे है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। गवर्नमेंट ने यह ध्यान रखा है जो बेसिक सर्विसेज लगती है वहां गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है, अरे है ना, जो बेसिक गुड्स लगते हैं वहां गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो गवर्नमेंट ने ये चीज के ख्याल रखे, तो ख्याल रहे दोनों का ऑब्जेक्ट टोटली अलग है। एक तिजोरी टैक्स है, एक कमोडिटी और सर्विसेज टैक्स है, बिजनेस टैक्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए, तो अब यहां पे सेकंड लोग कहते हैं इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, ओके, इनडायरेक्ट टैक्स क्या रिग्रेसिव इन नेचर। बराबर है, प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब क्या, इनकम टैक्स ऐसा है कि कुछ बेसिक एग्जम्पशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स लगेगा, वैसे वैसे टैक्स, वो प्रोग्रेसिव है। जिसके पास कम पैसा तो कम टैक्स, जिसके पास ज्यादा पैसा ज्यादा टैक्स। इन आईडीटी ऐसा नहीं है। आज बिस्किट का पैक इंक्लूसिव ऑफ एमआरपी, अरे हाँ, बिस्किट का पैक इंक्लूसिव ऑफ एमआरपी, एमआरपी में जीएसटी इंक्लूडेड होता है, वो बेगर खरीदे तो भी उतना ही जीएसटी, अरे है ना, और अनंत अंबानी खरीदे तो भी उतना ही जीएसटी। समझ में आया क्या? उतना ही जीएसटी। तो आज बेगर पे भी उतना ही बर्डन है, और एक बहुत रिचेस्ट पर्सन खरीदे तो भी उतना ही बर्डन है, क्योंकि वो कमोडिटी टैक्स है, वो कमोडिटी पे है। तो ये रिग्रेसिव नेचर का हो जाता है। रिग्रेसेशन, रिग्रेशन मतलब थोड़ा उसको अपोज किया जा रहा है। भाई बेगर ये सोचता है कि यार मेरे पे क्यों इतना टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मैं तो गरीब आदमी हूं। वो रिच आदमी सोचता है कि भाई उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता, ओके, दो रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, रिच क्लास को फर्क नहीं पड़ता है, पर जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या पुअर क्लास है उनको फर्क पड़ता है। अरे यस और नो? तो रिग्रेशन बहुत होता है इनडायरेक्ट टैक्स में। ना आपको यह बता दूं आपके नॉलेज के लिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, और ऐसे 60 कंट्रीज है जहां सिंगल रेट पे जीएसटी है। सिंगल रेट मतलब फ्लैट 12%, फ्लैट 18% ऑन ऑल गुड्स। वहां जबरदस्त रिग्रेशन है। वहां लोगों का यह कहना है कि यह गलत है, ये कमोडिटी जो है, आप बिस्किट्स पे भी वही रेट लगा रहे हैं और लग्जरी कार पे भी वही रेट लगा रहे हो, गलत है। अरे यस और नो? ये गलत है। इंडिया में इस रिग्रेशन को मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया रिग्रेशन को? है रिग्रेसिव, पर मैंने जैसे किया है कि हमने अलग अलग स्लैब दी है। अब आपको, अगर आप रियली पॉलिसी में करो तो आपको समझ गया होगा, 5% रेट उसको दिए जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, अरे है ना, फिर वो रिच क्लास खरीदे पुअर क्लास खरीदे, पर 5% का ही रेट रहेगा, फिर उससे ज्यादा 12, उससे ज्यादा 18, और जो लग्जरी आइटम है 28। तो हमने उसको मैनेज किया, पर रिग्रेशन तो है। ये समझ में आया क्या? रिग्रेशन तो है। चलो हम डिफरेंस लिखेंगे, नो डाउट डिफरेंस आ सकता है और हम लिखेंगे, जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ओके, मैं पहले ही कह रहा हूं, ऑनलाइन स्टूडेंट जो ऐप में कनेक्टेड है और यूट्यूब पे कनेक्टेड है, बीच में क्वेश्चन मत पूछो। मैं आपको टाइम दूंगा, और थोड़ा मुझे 3 दिन का टाइम दो, आपके सारे डाउट मैं 100% एश्योर करता हूं सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मुझे 3 दिन का टाइम दो, ठीक है? चलिए, तो अब ये हमने देखा, अब एक एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी फॉर रुपीज क्या, 1 लाख। सेल्स टैक्स इज, अब मैं जीएसटी नहीं ले रहा हूं, मैं एक नाम ले रहा हूं क्या, सेल्स टैक्स, क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी स्टार्ट नहीं किया, तो इनडायरेक्ट टैक्स का पुराना एक टैक्स था क्या, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज पेबल ऑन सच गुड्स एट द रेट क्या, 10%। डिटरमाइन टोटल प्राइस चार्ज ऑफ मिस्टर ए टू बी। मेरा फिर से आपसे सवाल, सेल्स टैक्स हो, जीएसटी हो, या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हो, ये नेट इनकम पे लगता है या ग्रॉस प्राइस पे लगता है? ग्रॉस प्राइस पे लगता है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे आप टैक्स? तो चलो लिखो, नीचे लिखो, वहां जगह दिया मैंने, नहीं दिया है, पर क्या दिया है मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है क्या, एग्जाम्पल?
तो आप जाओ, अब आपने नोटबुक लाई होगी जो हमारे क्वेश्चन के लिए नोटबुक आपने फिक्स किया है 200 पेजेस का, उसमें जाओ, पहले चैप्टर का नाम दो। पहले चैप्टर का नाम क्या दोगे आप? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। उसमें अब आ जाओ एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू दिया है ना आपके इसमें, एग्जाम्पल टू स्लैश पेज नंबर, एग्जाम्पल टू स्लैश पेज नंबर। पेज नंबर आरबी लिखना, आरबी मतलब रेगुलर बुक, आरबी मीन्स रेगुलर बुक जो हम यूज कर रहे हैं या रेगुलर मटेरियल। क्यों? क्योंकि कभी हम क्वेश्चनेयर का क्वेश्चन लेंगे तो कभी हम रेगुलर मटेरियल का क्वेश्चन लेंगे, तो उसका रेफरेंस जरूर देना। आरएम लिखो या आरबी लिखो, जो भी लिखना है आपको, ठीक है? दे दिया, एग्जाम्पल टू लिख लिया, अब डायरेक्ट आंसर लिखो। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब डायरेक्ट आंसर लिखो। लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी, बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी। टाइटल केयरफुली देखना, हमने क्या, टोटल प्राइस चार्ज लिखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस। प्राइस ऑफ द गुड्स लिखो, प्राइस ऑफ द गुड्स कितना, 1 लाख। सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, 10,000। तो टोटल प्राइस चार्ज कितना हुआ, 1,10,000। सर इस एग्जांपल से हम क्या सीखे, बस एक ही पॉइंट सिखाना है कि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस पे आता है, नेट प्रॉफिट पे नहीं आता। इज इट क्लियर? चलिए बस ये पॉइंट सिखाना है। अब आ जाओ टैक्स ऑन मल्टीपल स्टेज, नेक्स्ट डायग्राम पे, रेगुलर मटेरियल में आ जाओ। टैक्स ऑन मल्टीपल स्टेज समझ लो, एक मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहा है, एग्जांपल लो मोबाइल, एक मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहा है, एग्जांपल लो मोबाइल। दो मिनट के लिए अज्यूम करना जीएसटी वगैरह टैक्स नहीं है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार फिर से सभी ध्यान सुनो, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सेट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, मैं तब की बात ले रहा हूँ, आज के 15 साल पहले की, जब कोई टैक्स क्रेडिट वेडिट नहीं थे। समझ में आया क्या? तो चलिए, एक मैन्युफैक्चरर मोबाइल बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर मोबाइल किसको बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ जा रहा है, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से अल्टीमेट कंस्यूमर। ये पूरी चेन है, मल्टीपल स्टेज है, मल्टीपल स्टेज समझ रहा है आपको, ठीक है? एक मैन्युफैक्चरर ने मोबाइल बनाया और वो मैन्युफैक्चरर ने मोबाइल जो यहाँ पे दिया, यहाँ जिसकी प्राइस है यहाँ पे 10,000, अगर ये प्राइस 10,000 है तो इसके ऊपर समझ लो, पुराना जब जीएसटी नहीं था, 15 साल पहले सेल्स टैक्स था, अरे है ना, तो पुराना टैक्स कैसे लगता था, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेल्स टैक्स। ओके, सेल्स टैक्स एट द रेट समझ लो क्या, 10%, तो कितना हुआ, 10,000। टोटल कितना हुआ, 1,10,000। लिखो मेरे साथ फटाफट, सॉरी मैंने 1 लाख ले लिया, 11,000, ठीक है, 11,000। चेक कर रहा था आपका ध्यान है नहीं है, ठीक है, 11,000 हुआ। तो ये जो सेल हुआ, मुझे ये बताओ, ठीक है, चेक कर रहा था, हाँ, तो 11,000। और मैं अपना बोल दूँ, कॉन्सेप्ट के तरफ ध्यान देना, ये मेरी ऐसी मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक होते रहेगी, फालतू टाइम पास नहीं करने का, हाँ, तो आप समझ जाने का मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, ये बहुत कुछ कहना है मुझे, हाँ, तो 11, हाँ, भावना आप तक पहुँच जानी चाहिए। तो 11,000, अब ये 11,000 जो है यहाँ पे सेल हुआ, मुझे बताओ, कोई क्रेडिट वेडिट नहीं, कोई ITC नहीं, कोई सेट ऑफ नहीं, सिंपल प्लेन ट्रांजेक्शन, समझ में आया क्या? तो मैन्युफैक्चर के लिए सेल हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस हुआ, कितने में परचेस हुआ उसका, 11,000।
फिर से एक बार याद दिला दो, फिर से एक बार, कोई क्रेडिट वेडिट नहीं, कोई सेट ऑफ नहीं। हाँ बोलो नालायक हो, हाँ ठीक है। तो परचेस कितने में हुआ? 11,000। वो मोबाइल के बॉक्सेस बॉक्सेस रखे हैं, ये मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये ट्रेडर है। ट्रेडर, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर? मैन्युफैक्चरर गुड्स गुड्स बना के बेचता है और ट्रेडर एज सच बेचता है, एज सच बेचता है, ठीक है। तो अब ये समझ लो इसका वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन पर मोबाइल इसका ले लेते हैं, एक वर्ड में जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन इसका ले लेते हैं यहाँ पे 2000, वैल्यू एडिशन 2000 कर दो। अब ये वैल्यू एडिशन है ना, क्या मतलब, उसने बिजनेस करने के लिए परचेस पर अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई, अरे है ना, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया, मतलब उसका वेयर हाउस होगा, सैलरी होगी, उसको खर्चा लगा होगा, प्लस उसका प्रॉफिट। तो वैल्यू एडिशन मतलब लिख दो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, वैल्यू एडिशन मतलब एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, लिख रहे हो ना आप? यस और नो? तो उसके वैल्यू एडिशन 2000 किया, जिसमें उसका प्रॉफिट भी आ गया, जिसमें उसका प्रॉफिट, तो बताओ आगे वो कितने में सेल करेगा होलसेलर को? 11 उसका परचेस है, 11 उसका परचेस है, 2 उसका वैल्यू एडिशन है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो आगे जब वो सेल करेगा किसको? होलसेलर को। तो होलसेलर को जब सेल करेगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी? 13,000, ठीक है। अब एक बात आपको समझाना चाहूँगा, सभी ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो हर इकोनॉमिकल लॉ में आपको जो टैक्स लगता है वो इवेंट्स पे लगता है, अगर आपने उस इवेंट को टच किया तो टैक्स लगा। सर नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पर्सन पे है या इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे है? हाँ वो इवेंट है। अगर इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 में देखते हो तो इनकम ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। तो इनकम टैक्स की लेवी इनकम अर्न पे है, एंड अ पर्सन हु टच दैट इवेंट उसको करंट लगा। नहीं समझा? अगर पर्सन पे टैक्स नहीं है, इवेंट्स पे है, और जो पर्सन ने वो इवेंट को टच किया टैक्स लगा। समझ लो एक 2 साल का बच्चा कुछ भी नहीं कमा रहा है तो कौन उससे टैक्स मांगेगा? ओके, एक 80 साल का एजेड बंदा है कुछ भी नहीं कमा रहा है तो कौन उससे टैक्स मांगेगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक इवेंट को टच नहीं किया। तो हर एक्ट में कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके ऊपर टैक्स रखा हुआ है, और जो भी पर्सन ने उस इवेंट को टच किया वो टैक्स। इंडिया का कोई भी टैक्स पर्सन पे नहीं है, इवेंट्स पे। अगर टैक्स पर्सन पे हो गया तो बर्थ हो गया पे टैक्स, ऐसा नहीं है। ये समझ में आया क्या? तो एक जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं, सम इवेंट्स, एक पर्सन कैसे टैक्सेस देता है इवेंट बेस। समझ लो किसी ने गुड्स, ये समझ लो इंडिया है, और इंडिया के पोर्ट पे किसी ने गुड्स इंपोर्ट किया। गुड्स क्या किया बेटा? इंपोर्ट। समझ लो गुड्स रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, फिर वो रॉ मटेरियल उसने, यानी पहले देखो कैसे टैक्सेस लगते थे, रॉ मटेरियल उसने फिनिश गुड्स में यूज किया, ये समझ में आया क्या? फिर फिनिश गुड्स सेल किया, ओके, और सेल करने से इनकम कमाया और अपने गुड्स की सर्विसेज दिया, अपने गुड्स की सर्विसेज दिया, होता है ना इरेक्शन इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब देखो बंदा एक ही है पर जैसे जैसे इवेंट को टच करेगा करंट लगेगा, समझ में आया क्या? सबसे पहले एक इवेंट को टच किया, कौन सा? इंपोर्ट। करंट लगा क्या? कस्टम्स। अरे ये सर ना, इंपोर्ट ड्यूटी लगा, फिर वो रॉ इंपोर्ट ड्यूटी उसने पे की, फिर वो रॉ मटेरियल से उसने क्या बनाया? फिनिश गुड्स। तो जीएसटी आने के पहले मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था, अरे है ना, तो जैसे उसने मैन्युफैक्चरिंग किया एक्साइज। ये समझा क्या? अब जीएसटी आने के पहले, एक बार फिर से, जीएसटी आने के पहले, ओके, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग को टच किया क्या लगा? एक्साइज। फिर जैसे सेल किया वैट, सेल पे कौन सा टैक्स लगता था? वैट, तो क्योंकि सेल इवेंट को टच किया, समझ में आया। फिर वो सेल करने से इनकम कमाया, इनकम टैक्स।
और फिर अपने गुड्स पे सर्विस दिया, सर्विस टैक्स। तो मुझे बताओ टैक्स पर्सन पे था या इवेंट्स पे था? इवेंट्स पे था। जितने इवेंट्स को टच करेगा उतना टैक्स लगेगा। सर आपने ये क्यों समझाया? मैंने इसलिए समझाया कि किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर यहाँ टैक्स दे दिया तो फिर यहाँ क्यों देना पड़ता है? अरे है ना, फिर यहाँ क्यों देना पड़ता है? बेटा टैक्स सेल इवेंट पे है, जहाँ जहाँ सेल होगा वहाँ वहाँ करंट लगेगा। अरे हाँ या ना, जहाँ जहाँ सेल होगा वहाँ, क्योंकि टैक्स पर्सन पे नहीं है, इवेंट्स पे है। अगर ये पहले वाले ने सेल इवेंट को टच किया तो क्या लगा? सेल्स टैक्स। फिर दूसरा वाला भी क्या कर रहा है? सेल। तो क्या इस पर भी सेल्स टैक्स लगेगा? हाँ। अरे सर बट, नो बट शट, ओनली कट टू कट। ये समझा है? नहीं समझा। तो इस पर इसको भी क्या सेल्स टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, वो भी सेल कर रहा है तो सेल्स टैक्स इसको भी देना पड़ेगा। तो भाई साहब इसका भी सेल्स टैक्स निकालो कितना लगा। ओके, इसका सेल्स टैक्स 10% यानी कितना? 1300। अब सर मन नहीं मान रहा है, आपका मन माने या ना माने ये ऐसा ही है, समझ में आया क्या? ये ऐसा ही है। इसने सेल इवेंट को टच किया, कौन सा टैक्स लगा? सेल्स टैक्स। फिर अब बताओ ये कितना प्राइस जा रहा है? 14,300। इससे किसने खरीदा? होलसेलर। होलसेलर का VA, VA मतलब वैल्यू एडिशन, समझ लो यहां पे 3000 है। होलसेलर का VA 3000। अच्छा, तो होलसेलर आगे जब सेल करेगा, होलसेलर किसको सेल करेगा भाई साहब? हाँ, रिटेलर को सेल करेगा ना। तो मुझे बताओ क्या उसकी प्राइस क्या होगी? 14,300 प्लस उसका VA 3000 यानी 370। वापस से ये सेल कर रहा है, तो मुझे बताओ वापस से सेल कर रहा है तो सेल इवेंट को टच कर रहा है। अरे यस और नो? तो फिर से क्या लगेगा? सेल्स टैक्स एट द रेट 10% कितना? 1730। टोटल कर लो कितना आता है? 19,030 आया। अब इससे किसने बाय किया? रिटेलर ने। अरे यस और नो? तो इस रिटेलर का VA समझ लो 5000 है। VA कितना? VA मतलब वैल्यू एडिशन, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ये समझ में आया क्या? मतलब उसके लगने वाले खर्चे बिजनेस के लिए पर यूनिट प्लस प्रॉफिट। तो ये बताओ इसकी सेल प्राइस क्या होगी? हाँ, 24,030। और उसके ऊपर फिर से सेल इवेंट को टच किया उसने तो क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एट द रेट 10% कितना? 02403। टोटल प्राइस निकाल लो 24,433। अब मैं आपको ये बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट कंज्यूमर तक गया और लास्ट कंज्यूमर मोबाइल अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहा है, वो आगे सेल इवेंट को टच कर रहा है, तो बताओ वो आगे टैक्स देगा या वो अल्टीमेट यूजर हुआ? वो अल्टीमेट यूजर। तो अब मैं आपको बताता हूं GST के कॉन्टेक्स्ट में, जब तक सामने वाला टैक्स दे रहा है तब तक ट्रांजेक्शन को B2B बोला जाता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, समझ में आया क्या? और जैसे ही वो अल्टीमेट यूजर के पास जा रहा है B2C बोला जाता है। तो बताओ पूरे ट्रांजेक्शन में B2C कौन सा है? लास्ट वाला है B2C, बाकी B2B। ये समझा है? नहीं समझा? बाकी पूरा ट्रांजेक्शन B2B। तो इससे दो बातें बहुत क्लियरली समझ लो कि टैक्स मल्टीपल स्टेज टैक्स है, टैक्स इज ऑन इवेंट है। ओके, अ पर्सन हूएवर विल टच दैट इवेंट इज लायबल टू पे टैक्स। टैक्स बताओ ये प्रॉब्लम का, ये जो आपने पूरी यहां पे मल्टीपल स्टेज टैक्स देखा, पूरी चेन देखी, इसका ड्रॉबैक क्या दिखा आपको? माइक देना प्लीज। हाँ, इसका ड्रॉबैक क्या दिखा? कोई इधर उधर कोई है जो बताएगा? क्यों बेटा, क्या बात है? आप ऐसे थोड़ी कि यही मेरे स्टूडेंट है। हाँ, क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा डिस्कशन में? यहाँ तो
इधर क्या ये चेन में क्या प्रॉब्लम देख रहे हो सर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट भी बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो पहले मैन्युफैक्चर किया कोई गुड्स तो उस पर भी टैक्स लग चुका था, और फिर इसमें ये ड्रॉबैक हो रहा है कि जो गुड्स की प्राइस है उस पर मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, और जिसके कारण जो गुड्स है गुड्स की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। मतलब इस पे मल्टीपल टैक्स लग रहे हो, जिसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स। अब एक नई टर्म आपके सामने आएगी, कैस्केडिंग इफेक्ट। आई रिपीट द वर्ड, क्या? कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो कंपाउंडिंग बोला जाता है, कुछ कभी सुना है? और जब टैक्स पे टैक्स लगता है तो कैस्केडिंग बोला जाता है। कैसे टैक्स पे टैक्स लगा? ओके, अगर आप देखते हो तो क्या ये 13,000 में ये टैक्स इंक्लूडेड है? अरे यस और नो। और उस पे फिर से टैक्स लगा। अब इमेजिन करो जब सेल आगे बढ़ा तो ये तो प्राइस में दो टैक्स इंक्लूडेड है। कौन से दो टैक्स इंक्लूडेड है? ये प्लस ये प्राइस में इंक्लूडेड है और उस पर टैक्स लग रहा है। और लास्ट वाला तो भाई साहब तीन टैक्सेस इंक्लूडेड है और उस पर टैक्स लग रहा है। इसको कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। ये जीएसटी आने के पहले का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, समझ में आया? धीरे धीरे मैं आपको ले जा रहा हूं जीएसटी क्यों लाया गया, समझ में? तो ये तो था, ये कैस्केडिंग इफेक्ट था। तो चलिए इससे हम दो बातें समझे और एक ड्रॉबैक समझे। ओके, डिस्कशन को यहाँ रखोगे तो उनसे दो बातें समझे कि टैक्स मल्टीपल स्टेज पे आता है, टैक्स इवेंट बेस्ड लिंक है, अरे यस और नो। और पुराने टैक्स में, आई रिपीट द वर्ड, क्या? पुराने टैक्स में एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था? कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसके वजह से प्राइसेस ट्रिमेंडसली बढ़ जाती थी। ये समझ में? यानी एक मैन्युफैक्चरर ने 10,000 में बनाया हुआ गुड्स कस्टमर को 26,000 में मिल रहा है, समझ में? कस्टमर को 26,000 में मिल रहा है। चलो ये एक ड्रॉबैक था, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए बेटा मैं थोड़ा ये डिफरेंस जो है यहां पे एक मिनट, एक P1 क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, मैं बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को अलग करने की, इसलिए इसके आगे मेरे डिस्कशन के बाद आपने भी सोचना, कोई डाउट होगा तो अभी क्लियर कर लेना, क्योंकि मुझे आगे की डिस्कशन में ये नहीं चाहिए कि सर इनकम टैक्स में तो ऐसा होता था और जीएसटी में ऐसा होता है, तब मैं एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा, इनकम टैक्स अलग जीएसटी अलग। और तब आपने अगर ये सवाल दिमाग में लाया क्यों तो ये समझ में आया क्या, जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, मिस्टर ए अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टूथपेस्ट, ही हैज डन ओनली सिंगल सेल इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 में सिंगल सेल किया फॉर रुपीज क्या 20 लाख। ही हैज इनकर्ड, एक ही सेल किया है, ही हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस इन अ फाइनेंशियल ईयर, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, अदर एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस। मिस्टर आल्सो लायबल टू पे टैक्स ऑन सेल 10%। कैलकुलेट क्या? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो नोटबुक में आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर दे दो, P1 दे दो, पेज नंबर दे दो। ओके, नोटबुक में आओ, ऐसे दो कॉलम करना, एक पहला कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और यहां पे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? दोनों कैलकुलेशन समझ लो। अच्छा मुझे ये बताओ आपकी प्राइस कितनी दी है? 20। अच्छा सब कर खर्चे जाके नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 11 लाख आ रहा है। 20 माइनस दिस 11 लाख आएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगने वाला है सेल्स टैक्स, वो 20 पे या 11 पे? इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स जो लगेगा वो 20 लाख पे या 11 लाख? 20 लाख पे, वो तो प्राइस पे लगता है। तो यस पर्टिकुलर्स एन अमाउंट इन क्या रुपीस, यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड्स कितना, प्राइस ऑफ द गुड्स 20 लाख, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स कितना लगेगा? पुराना सेल्स टैक्स अभी क्या बेटा? जीएसटी। सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, तो कितना? 2 लाख।
What is the total price? Total price 22 lakhs. Total price 22 lakhs. ठीक है. अच्छा, आपको डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स निकालने कहा, तो इनकम टैक्स में आप कैसे लोगे? टोटल टर्नओवर, उसका टोटल टर्नओवर कितना है? 20 लाख. यस और नो? लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की टोटल करो कितना आता है? हाँ, टोटल कर दोगे तो कितना आएगा? 9 लाख. तो आपका प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 11 लाख. चलो वो स्लैब लगा के कितना आ रहा है टैक्स निकालो. निकालते आता है क्या आपको स्लैब के बाद? निकालो स्लैब लगा के इनकम टैक्स कितना आ रहा है. इनकम टैक्स आपके नेट प्रॉफिट पे लगेगा. वन लाख 42,000. सबका सही आ रहा है? सेस भी लेना है ना? सेस के साथ सेस के साथ 1 लाख, मतलब टैक्स प्लस क्या सेस दोनों मिला के, टैक्स प्लस सेस. सर ये प्रॉब्लम से हम क्या समझे? ये प्रॉब्लम से डिफरेंस ही समझ गए कि टैक्स ऑन टोटल प्राइस, इनकम टैक्स इज ऑन नेट प्रॉफिट. समझ में आया क्या? ओके चलो, यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया, उसके बाद में फटाफट डिफरेंस लिख लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. चलो इस तरह से डिफरेंस लिखना है. पहला टाइटल पर्टिकुलर्स, फिर डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट. और मैं आपको समझा देता हूँ ये डिफरेंस. डू इट फास्ट. राइट ऑफ, पहला पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. पर्टिकुलर्स में लेवीड ऑन किस पे लेवी होगा? तो डायरेक्ट टैक्स के लिए लिखो, इट इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी. इट इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटीज. और इनडायरेक्ट टैक्स लिखो, इट इज ऑन गुड्स और सर्विसेस. इट इज ऑन गुड्स और सर्विसेस. ठीक है, पहले डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन? क्लियर सभी को? चलो सेकंड लिखो. स्पीड मेरे साथ मेंटेन करनी पड़ेगी बेटा. सेकंड, बर्डन ऑफ टैक्स. बर्डन ऑफ टैक्स मुझे बताओ, इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है या पेबल बाय पर्सन कंसर्न? इट कैन नॉट बी शिफ्टेड. बट इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्टेड फ्रॉम 1% टू अनादर. देखो क्यों शिफ्ट होता है, क्या रीजन है, तो गब्बर सिंह वाला एग्जाम्पल. अरे आया ना, क्योंकि कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन खुद वो कॉस्ट बेयर नहीं करेगा, वो बिजनेस टैक्स है. ठीक है, लिखो, इट इज बोर्न बाय पर्सन डायरेक्टली. इट इज बोर्न बाय पर्सन डायरेक्टली. तो सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स में लिखो, इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू अनादर पर्सन. एक मिनट, ये पॉइंट पर रुकना, आगे मत लिखना. इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू अनादर पर्सन. और मुझे बताओ, अभी अभी हमने एक चेंज देखा था, उसमें पूरा बर्डन किस पे आया? पूरा बर्डन शिफ्ट हुआ.
क्या वो होलसेलर पे शिफ्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर पे शिफ्ट हुआ, या पूरा बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर पे? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लास्ट कंज्यूमर है उस पर पूरा बर्डन शिफ्ट होता है। यस और नो? ओके, तो यहाँ पे देखिए, इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन एन एंटायर बर्डन, इसको हाईलाइट करना रेड पेन से, एन एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर। ये एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर कैसे? तो आपको फिर से एग्जाम्पल से बता दूं। ओके, यहां पे अगर ये प्राइस देखोगे तो ये प्राइस में, लास्ट वाली प्राइस में क्या ये टैक्स प्लस ये टैक्स प्लस ये टैक्स प्लस ये टैक्स, क्या चारों इसमें इंक्लूडेड है? हाँ। ओके, एन एंटायर बर्डन ट्रांसफर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। चलिए, अब यहां पे नेक्स्ट अगर हम देखें, थर्ड डिफरेंस नेचर, नेचर में लिखो, यहां पे नेचर में डायरेक्ट टैक्स में लिखना प्रोग्रेसिव नेचर, डायरेक्ट टैक्स में लिखना प्रोग्रेसिव नेचर। ठीक है, अब ये प्रोग्रेसिव नेचर में लिखो, दैट इज ये बता, प्रोग्रेसिव मतलब इनकम टैक्स फ्लैट रेट से लगता है या जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता है? मैक्सिमम स्लैब 30%, ठीक है। तो लिखो, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द पीपल, हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर द पीपल, फॉर द पीपल विथ हायर इनकम, विथ हायर इनकम। With higher income, मतलब जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वो प्रोग्रेस होगा। इनडायरेक्ट टैक्स लिखो, इट इज रिग्रेसिव नेचर, इट इज रिग्रेसिव नेचर। वाई लिखो, एज ऑल कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन, एज ऑल कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन, irrespective of their ability to pay, irrespective of their ability to pay, मतलब बिस्किट अंबानी खरीदे या बेगर खरीदे रेट तो एक ही लगेगा। हाँ, पर इंडिया में हमने कैसे मैनेज किया है, थोड़ा तो मैनेज किया हमने इंडिया में कि रिग्रेशन नहीं होना चाहिए। कैसे मैनेज किया हमने? रेट्स अलग अलग लगा दिए, सिंगल रेट नहीं लगाया। समझ में आया ना? 5%, 12%, 18%, 20%, सो दैट कि वो मैनेज रहे, पर रिग्रेशन तो है ही, पर मैनेज किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, व्हेन इट इज पेड। मुझे बताओ इनकम टैक्स कब पे करना पड़ता है, इनकम के पहले या इनकम आने के बाद? पैसा जेब में आता है और उसके बाद में इनकम टैक्स पे होता है, इन असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में पैसा आता है, असेसमेंट ईयर में आप टैक्स देते हो। समझ में आ रहा है? तो लिखो, इट इज पेड आफ्टर इनकम, इट इज पेड आफ्टर द इनकम रिचेस, आफ्टर द इनकम रिचेस इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है। इनकम आने के बाद पे होता है। लेकिन मुझे ये बताओ, आपको इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स खरीदने के पहले ही आपको पहले पे करना पड़ता है? जैसे आप बिस्किट खरीद रहे हो, शर्ट खरीद रहे हो, तो पहले बिल करो, पहले पे कर दो, बाद में शर्ट हाथ में आता है। यस और नो? आपने एडमिशन ले ली जीएसटी का तो कब का ले लिया? पहले पे कर दो, बाद में सर्विस आएगी, जनरली ब्रॉड सेंस में। अरे यस और नो? हाँ, ब्रॉड सेंस में। तो लिखो, इट इज पेड बिफोर, बिफोर गुड्स और सर्विसेस, बिफोर गुड्स और सर्विसेस रिचेज द टैक्स पेयर, रिचेज द टैक्स पेयर। नेक्स्ट डिफरेंस कलेक्शन, लिखो यहां पे, टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट डायरेक्ट टैक्स में,
टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट एज इट इज पेबल ऑन ईयरली बेसिस एज इट इज पेबल ऑन ईयरली बेसिस और यहां लिखो टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजियर इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजियर एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेस एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेस गुड्स और सर्विसेस ठीक है हाँ ये पॉइंट मैं समझा देता हूं इनकम टैक्स बेटा टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आईडीटी क्योंकि आईडीटी में अप्रोच क्या है आपको बताता हूं ठीक है इनकम टैक्स और आईडीटी में बेसिक डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट को टैक्स जब कलेक्ट करना है आपसे इनकम टैक्स में पैसा जेब में आ जाता है और बाद में गवर्नमेंट एक साल बाद लेती है अब क्या हो जाता है आपके पास जब पैसा जेब में आ गया आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया उधर खर्चा कर दिया और जब टैक्स देने की बारी आती है तब आपके जेब में पैसा ही नहीं फिर आप छुपा रहे हो नहीं दे रहे हो ओके अगर इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा ढंग से तो ऐसे सिचुएशन में आप पैसा कमाने वाला एक पर रिटर्न घर में सबके जा रहे हैं वो अलोकेट कर रहा है इनकम ओके बेसिक एग्जम्पशन के बेनिफिट्स ले रहा है फ्रॉड कर रहा है तो दुनिया भर के लोग प्लानिंग करते फिर कि पैसा क्योंकि देखो पैसा जेब में आने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल होता है ये गवर्नमेंट को पता है इसलिए तो गवर्नमेंट ने टीडीएस जैसे कंसेप्ट लाया अरे है ना जाने मत दो यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स समझ में आया यहाँ पे देखो यहां से दो बातें निकालना बड़ा मुश्किल है एक है पैसा दूसरा आपको पता है दूसरा प्यार तो जहां तक देखा जाए तो गवर्नमेंट को ये पता है कि पैसा जेब में जाने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल है और यहाँ पे इसलिए तो इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा रेड होती है इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इंक्वायरीज होती है क्योंकि इतना छुपाया जाता है जिसकी हद नहीं समझ पर इनडायरेक्ट टैक्स में कंपैरेटिवली ये अप्रोच कम है क्यों क्योंकि मैन्युफैक्चर क्या सोचता है भाई गवर्नमेंट को पे करो एंड बर्डन पास ऑन मुझ पे थोड़ी आ रहा है ये समझा नहीं समझा ये मुझ पे थोड़ी आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर क्या सोचता है पे एंड पास ऑन क्यों मैं अवॉइड करूं यार मैं टैक्स क्यों बचाऊं इनडायरेक्ट टैक्स जो पास ऑन है अगर मैं टैक्स का फ्रॉड करूंगा कल मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा ये लॉक लगा के चले जाएंगे मुझे बिजनेस करना मुश्किल कर देंगे मैं क्यों अवॉइड करूं क्योंकि मुझे तो कस्टमर से लेना है अब समझ लो सर्विस टैक्स ऐसा कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास ओके सर आप जो है जीएसटी लगा रहे हो बिना जीएसटी का होगा क्या ओके क्लास बिना जीएसटी का हो सर बिल मत दो मैं ऐसा करता ही नहीं हूं क्योंकि मैं जीएसटी पढ़ाता हूं अरे है ना सर बिल मत दो ना बिना जीएसटी का थोड़ा फीस कम हो जाएगा समझ में आया क्या बोले नहीं भाई वो बिल तो आएगा आपको ओके और भाई ऐसा समझ लो कि यहाँ कुछ 20-25 स्टूडेंट्स के लिए मैंने अगर ऐसा एडजस्ट कर लिया समझ में आएगा ऐसा एडजस्ट कर लिया और कल जाके डिपार्टमेंट को पता चलेगा तो क्लासरूम को लॉक लगा देंगे सीज कर लेंगे एकेडमी बंद कर देंगे पेपर में ऐड देंगे वी स्मार्ट एकेडमी ड्रंक फ्रॉड अरे है ना ओके फ्रॉड हो गया नाम खराब हो जाएगा किसके लिए वो 20 बच्चों का टैक्स बचाने के लिए मैं क्यों टेंशन लूं बर्डन मैं क्यों टेंशन लू भाई तो हाँ अगर टैक्स मेरे तिजोरी पे आता तो टेंशन लेने का मजा भी होता अरे है ना टैक्स मेरे अगर तिजोरी पे आता तो टेंशन लेने का मजा है रिस्क और रिवॉर्ड समझ में पर ये मेरे तिजोरी पे थोड़ी आ रहा है बिजनेस टैक्स है बर्डन पास समझ में आया क्या तो इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन है तो रेड भी उतना है इन्वेस्टिगेशन भी उतना है गवर्नमेंट को कलेक्शन के लिए ताकत भी लगती है समझ में आया क्या लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं होता फ्रॉड होते और सबसे ज्यादा फ्रॉड तो भी आईटीसी के आगे बताओगे
क्या स्कैम हुआ वो भी बताओगा, कैसे पकड़ा गया वो भी बताओ। ओके हाँ, फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड बस वही एरिया में होते हैं, विद बिल विदाउट बिल। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे आ रहे हो, बड़ी एकेडमी है, पर कोई नया फैकल्टी आ रहा है जो जीएसटी पढ़ा रहा है, पर उसके लिए कॉम्पिटिशन में उसको प्राइस कम रखना है, तो उसको प्राइस कम रखना है तो वो ऑप्शन देगा आपको विद बिल विदाउट। दो मोबाइल की शॉप है, एक नई खुली है एक पुरानी है, नई वाला अपनी प्राइस कम करने के लिए आपको ऑप्शन देगा, फ्रॉड करेगा। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में फ्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, पर इनकम टैक्स के हिसाब से कंपैरेटिवली कम होते हैं। ठीक है, तो जहां तक है, अच्छा फ्रॉड कम होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट को उतना नहीं लगाना पड़ता। ओके, जैसे पुणे में लोगों को सिग्नल तोड़ने की आदत इतनी ज्यादा है तो उतने आरटीओ लगाने पड़ते हैं। अरे है ना, पर समझ लो तो आप खुद ही ऑनेस्ट हो जाओ कि नहीं सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, जान भी जाए पर सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। भाई साहब अगर ये एटीट्यूड आपका हो जाए तो वहां आपको एक भी आरटीओ नहीं दिखेगा, गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम हो जाएगी। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स में कंपैरेटिवली आपकी कॉस्ट, गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा होती है, डिफिकल्टी होती है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में रिलेटिवली इजियर है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल लिखो। भाई साहब ये बताओ इनकम टैक्स के एग्जाम्पल क्या, सॉरी डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। एग्जाम में तिजोरी टैक्स मत लिखना, स्टैंडर्ड वर्ड में लिखना। ठीक है, इनकम टैक्स और दूसरा क्या, वेल्थ टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल बताओ बेटा, कुछ नहीं याद आया तो जीएसटी तो लिखना। हाँ, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, वैट एक्सेट्रा। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, किसका इनकम, मतलब गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स है कौन से इससे ज्यादा रहेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ डायरेक्ट से रहेगा ना भाई साहब, इनडायरेक्ट से ज्यादा पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। मैं ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा है। कैसा बताता हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बेगर होगा जिसका पैन है, कोई बेगर जिसका पैन है, एक से मुंबई के हो गए तो, कि जिसने पैन निकाला है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहा है, लोग उसको पूछ रहे हैं क्या रिटर्न फाइल किया इनकम टैक्स, हाँ इस बार बेकर की इनकम बहुत हो गई मेरी, मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। आई नेवर सीन बेगर हु इज पेइंग इनकम टैक्स एक्सेप्ट मुंबई, उनका एरिया डिवाइडेड होता है, लोन मिलता है उनको तो। हाँ भाई इनकम है उनकी, हाँ, लेकिन आई हैव सीन मेनी बेगर्स हु आर पेइंग क्या इनकम, आईडीटी, जीएसटी, हु आर पेइंग क्या जीएसटी। भाई साहब बेगर को बिस्किट भी खरीदना है ना तो जीएसटी देना पड़ता है। समझ में आया क्या? उसको कुछ भी खरीदना हो तो क्या देना पड़ता है, जीएसटी। इंडिया का बच्चा बच्चा जीएसटी देता है जब वो चॉकलेट खरीदता है, एमआरपी इंक्लूसिव टैक्सेस है ना। तो इमेजिन करो एक बेगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक बच्चा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका रेवेन्यू ज्यादा ही रहेगा। तो सर फिर इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? यहां तो सर ये बताओ, मैन्युफैक्चरर भी गवर्नमेंट को पे कर रहा है, बर्डन पास ऑन, डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को पे करेगा, बर्डन पास ऑन, ओके होलसेलर गवर्नमेंट को पे करेगा, बर्डन पास ऑन, तो फिर इसको इनडायरेक्ट क्यों करते हैं? इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि जिसने पूरा बर्डन लिया है उसने डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया या इनडायरेक्टली इनके थ्रू गवर्नमेंट को दिया, इनडायरेक्टली इनके थ्रू गवर्नमेंट को दिया है। आपने भी टैक्स का बर्डन लिया है और सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यूअस टैक्स का बर्डन ले रहे हो आप, सुबह बिस्किट खरीदते हो चाय के साथ, सीसीडी में जाते हो किसके साथ है ना, रेस्टोरेंट में बैठते हो दोस्तों के साथ,
आप हर पल कंट्रीब्यूट कर रहे हो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, समझ में आया क्या? अब क्लास आते हो तो आपने टैक्स दे दिया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर दिया, ये समझ में आया क्या? पर आपने डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट मेरे थ्रू दिया है गवर्नमेंट, इसलिए इस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। सो ये था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो मेन डिस्कशन बेसिक था, थोड़ा बहुत अगर किसी को स्लो भी लगा होगा तो स्लो भी अच्छा था, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपके सारे बेसिक इसमें क्लियर हो गए कि इनकम टैक्स क्यों लगता है, IDT क्यों लगता है, क्या रीजन था, क्या बैकग्राउंड था, हमने सब कुछ देख लिया। चलिए अब बेटा आगे के एक डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम पे आ जाओ सभी लोग। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल कोई बता सकता है क्या? व्हाट डू मीन बाय फेडरल स्ट्रक्चर? ना लाए को तुमको कुछ भी नहीं पता। अच्छा ये पता है आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी है, लिस्ट 1 कॉल एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 कॉल एज स्टेट लिस्ट। इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना बढ़िया है ना, आपको क्या बताओ कि किसी एक पर्सन के पास पावर नहीं है। इसके फायदे भी बहुत है तो नुकसान भी, ठीक है? तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेवल पे डिवाइड हुआ है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पे हम वर्ड यूज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे वर्ड यूज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे यूज करते हैं लोकल अथॉरिटी कॉल्ड एज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत। अरे यस और नो? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत। अब तीनों लेवल पे गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड किया है। अब तीनों लेवल पे पब्लिक सर्विसेज के लिए खर्चा लगता है, इंफ्रा लेवल पे खर्चा लगता है। तो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया डिवाइड करके दिया है टैक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सा टैक्स सेंट्रल को जाएगा, कौन सा टैक्स स्टेट को जाएगा, क्योंकि स्टेट का अपना खर्चा है, ये समझ में आया क्या? और लोकल अथॉरिटी का अपना खर्चा है। अगर आपने पुराना कभी सोचा सुना होगा ऑक्ट्राय, कभी नाम सुना है ऑक्ट्राय? ऑक्ट्राय, लोकल बॉडी टैक्स LBT, ये पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू थे ऑक्ट्राय वगैरह, ठीक है? अब तो वो GST में आ गया, और GST में कॉरपोरेशन को जो पैसा आता है वो हमारा काम नहीं है सोचना, पर जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो स्टेट से आ जाता है कॉरपोरेशन के पास, पर कॉरपोरेशन का अपना भी रेवेन्यू होता है म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह, यस और नो? तो बेटा 3 लेवल पे गुड्स और सर्विसेज के पहले टैक्स लगते थे, 3 लेवल पे लगते थे। सेंट्रल लेवल पे था एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स, यानी जो गुड्स और सर्विसेज पे एक्साइज लगता था, कस्टम्स लगता है और सर्विस टैक्स लगता था, उसका रेवेन्यू सेंट्रल को दिया था, समझ में आया क्या? फिर लगता था सेल्स टैक्स या VAT, अरे आया ना, और कुछ आइटम पे एक्साइज, जिसमें कुछ आइटम्स पे एक्साइज, जिसमें लीकर का एक्साइज स्टेट को मिलता था। आई रिपीट, लीकर का एक्साइज स्टेट को मिलता था। अभी आप सुन रहे होगे न्यूज में, ओके, आप पार्टी केजरीवाल सब अंदर है, क्योंकि वो लीकर पे एक्साइज लगाने के डिसीजन स्टेट के पास थे, ओनली लीकर, ओनली लीकर स्टेट के पास थे, और वो उस कैम्प में ऐसे लोग कहते हैं कि भाई इसमें गड़बड़ हुई है, पता नहीं है, ठीक है, पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो हाँ, कुछ टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल को था, कुछ टैक्सेस का रेवेन्यू स्टेट को था, और कुछ टैक्सेस का रेवेन्यू लोकल अथॉरिटी को, जैसे ऑक्ट्राय हुआ। तो गवर्नमेंट ने डिवाइड करके रखा, ये पैसा लो और आप अपना खर्चा करो, और ये पूरा डिवाइडेशन था 3 लिस्ट में। आपको 3 लिस्ट याद होगी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये समझ में आया, एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट में दिया है कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, ये समझ में आया क्या? मेरा ये डायग्राम लेने का, ये पिक्चर यहां लेने का ऑब्जेक्ट यही है कि एक बिजनेसमैन वाले पे 3 लोग टैक्स लगाते थे पहले, GST आने के पहले।
एक जो जो गुड्स बेच रहा है, जो सर्विस दे रहा है, तो उसको सेंट्रल को भी देना पड़ता था एक्साइज सर्विस टैक्स, अरे है ना, उसको स्टेट को भी देना पड़ता था वैट, अरे है ना, और उसको लोकल अथॉरिटी को ऑक्ट्राय एलबीटी, ऐसे टैक्सेस देने पड़ते थे। वो बेचारा परेशान था, ओके एक्साइज देना पड़ रहा है, वैट देना पड़ रहा है। तो अब यहां पे इसके वजह से हम जीएसटी के लिए कैसे सोचे आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने जीएसटी क्यों लाया, व्हाई वी हैड थॉट अबाउट क्या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में अब जीएसटी आने के पहले चीजें क्या थी, यहां थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, और जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए, थोड़ा ये बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी है, ओके, पर मैं आपको कहता हूं कि अभी तो हमारा 10-15 मिनट थ्योरी चलेगा, लेकिन कल का डिस्कशन आपने मिस नहीं करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो कल अब्सेंट वो आओ मत जीएसटी के लिए। सर वो हम अब्सेंट भी रहे तो भी यूट्यूब पे है ना, आपका कर लेंगे, आप फेस टू फेस आओ, ज़्यादा अच्छी बात है, डिसिप्लिन में क्लास हो जाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर कोई एग्ज़ाम की वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन देखो, पर कल का लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 265, ध्यान सुनना, कभी नाम सुना है आर्टिकल 265 का? नाम नहीं सुना, ये आर्टिकल भी कभी नहीं पढ़े, चलो दो मिनट में आपको समझा देता हूँ। ओके यहाँ पे यस, व्हाट्स योर नेम, आर्यन, इमेजिन करना आर्यन जो है इधर खड़ा है और मैं इधर साइड हूँ तो ऑफिसर, इमेजिन करो इंडिया में कोई जीएसटी लॉ नहीं है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, बिल्कुल प्लेन, एकदम कोरा कागज, कोरा कागज था ये मन मेरा, मैं नाम मैं लिखूंगा जीएसटी का, तो बिल्कुल प्लेन, कुछ भी, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, ओके कोई यहां पे जीएसटी नहीं, यहां आर्यन बिजनेस कर रहा है, आर्यन अपना बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है, एक ऑफिसर आया और उस ऑफिसर ने कहा, यस मिस्टर आर्यन आप बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो? आर्यन ने कहा, हाँ सर वो बस थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। ऑफिसर ने कहा, वो गले में क्या है, गले में क्या है? सर वो बस थोड़ा बहुत चल जाता है हमारा। अच्छा तुम बिजनेस कर रहे हो, इंडिया का इंफ्रा यूज कर रहे हो, अरे आया ना तुझको मिला मुझको बिजनेस, ओके तुझको मिला मुझको भी चाहिए। आर्यन ने कहा, मतलब भाई बिजनेस कर रहे हो, इंडिया का इंफ्रा यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, अरे आया ना, और पब्लिक के लिए आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। तो ऑफिसर ने कहा, पे टैक्स ऑन योर बिजनेस एक्टिविटी। अब आर्यन जो है ये भी एफसी है, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ये भी एफसी है, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने नाम के सामने अभी से लिखना है एफसीए, ठीक है। तो अब आर्यन ने कहा, मिस्टर ऑफिसर आप मेरे से टैक्स कलेक्ट करना चाहते हो? ऑफिसर ने कहा, हाँ भाई बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट को देने की, हफ्ता है पर लीगल है, अरे है ना, तो टैक्स देना पड़ेगा। आर्यन ने कहा, वेट 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 मिस्टर ऑफिसर, मैं भी पब्लिक हूं, डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मी? हमने इमेजिन किया कोई टैक्स नहीं है, हमने इमेजिन किया हुआ है कोई लॉ नहीं है, क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कि आप पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर सको? आपको हफ्ता चाहिए तो लीगल करो, अरे है ना। ऑफिसर ने कहा, नो आई डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, अभी तक तो कोई लॉ बना ही नहीं। तो आर्यन ने कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर, पहले जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लेके आओ, समझ में आया, और फिर मेरे से टैक्स लो,
अगर आपको लीगल हफ्ता चाहिए तो। अरे यस सर ना, क्या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई अथॉरिटी है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवर सुप्रीम लॉ, अवर बेसिक लॉ। सारे टैक्सेस का जन्म वहां से होगा। तो ऑफिसर ने कहा, मिस्टर आर्यन थोड़ा ढंग से बात करो यार। आर्यन ने कहा, पब्लिक है, गेट आउट। ऑफिसर ने भी डिसाइड किया, कसम की कसम, कसम से नहीं छोड़ूंगा आर्यन को दिल से। इसने भी डिसाइड किया कि आर्यन भाई तू तो गियो। अब इसने भी कहा कि हाँ, मैं आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लूंगा, मैं लॉ बनाऊंगा और इससे टैक्स कलेक्ट करके रहूंगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पास गया, उसने बेसिक लॉ खोला, उसके सामने आर्टिकल 265 आया। अब इमेजिन करना, आर्टिकल 265 कोई एक पर्सन है, ठीक है? तो ऑफिसर गया और ऑफिसर ने कहा, मिस्टर आर्टिकल 265, मेरी बहुत इंसल्ट हुई है एंड आई वॉन्ट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मिस्टर आर्यन। सर मुझे उससे टैक्स कलेक्ट करना है। आर्यन तेरे को बोल रहा है। तो जहां तक देखा जाए तो भाई मुझे उससे टैक्स कलेक्ट करना है। आर्टिकल 265 ने कहा, वेट वेट वेट, डू वांट टू कलेक्ट टैक्स? ऑफिसर ने कहा हाँ। तो आर्टिकल 265 कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी और लेवी नहीं करेगी जब तक उसका कानून नहीं बनता है। अरे आया ना, एंड फर्स्ट मेक द लॉ, टेक द अथॉरिटी एंड देन कलेक्ट द टैक्स। अरे समझा क्या? फर्स्ट मेक द लॉ, टेक द अथॉरिटी एंड देन कलेक्ट द टैक्स। समझाया क्या? तो अब मतलब क्या, मतलब भाई पहले लॉ बनाओ। हाँ, इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले लॉ बनाओ। तो भाई साहब मैं जीएसटी ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं, जीएसटी एक्ट सेक्शन क्लॉज, पहले लॉ बनाएंगे, लॉ को समझेंगे, उसका बैकग्राउंड समझेंगे। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में तो ऑफिसर ने कहा, नो सर, इन इंडिया देर इज नो लॉ टू कलेक्ट द टैक्स ऑन बिजनेस एक्टिविटी। तो भाई साहब पहले लॉ बनाओ और फिर से टैक्स कलेक्ट करो। तो जीएसटी एक्ट पास हुआ 2017 में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी। और जीएसटी ने कोई भी टैक्स, मे बी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई भी टैक्स अगर लगाना है तो पार्लियामेंट में उसका लॉ पास होना जरूरी है, ठीक है? फिर ऑफिसर ने कहा, ठीक है सर, समझ गया कि लॉ बनाना पड़ेगा, फिर ही मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं। इसलिए आर्यन की इतनी ताकत थी मुझे कहने की, क्या घड़ाउट? शायद आर्यन को यह प्रोविजन पता थी, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? तो उस ऑफिसर ने कहा, सर मैं लॉ बना लू? आर्टिकल 265 ने कहा, तेरी कौन सुनेगा, तेरी कौन सुनेगा? ओके, इमेजिन करो कि यहां बच्चे बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट आ गया, खड़ा हो गया, उसने कह दिया आज से लॉ कोई बात नहीं कर, उसकी कौन सुनेगा भाई? अथॉरिटी चाहिए। अरे यस और नो, वो अथॉरिटी चाहिए। तो इंडिया में कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है टू मेक द लॉस? फिर पिक्चर में आता है आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 245 क्या कहता है देखो, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक द लॉ, आई रिपीट अंडरलाइन, पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ क्या, इंडिया। अगर इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाना है तो हमारी लोकसभा यानी क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाएगा, वो कानून पूरे इंडिया को लागू होगा, और अभी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। समझ में आया क्या? पूरे इंडिया को लागू होगा।
ओके एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी विधानसभा, राज्यसभा अलग है हा? मैं किसकी बात कर रहा हूं, विधानसभा, राज्यसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो ओके लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक अ लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेजरली, सेंट्रल एंड स्टेट, एंड लोकल अथॉरिटीज वर्किंग अंडर स्टेट. आई रिपीट, लोकल अथॉरिटीज वर्किंग अंडर स्टेट. आई होप यू अंडरस्टूड. तो ऐसे केस में मेजरली दो ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट. आई होप यू अंडरस्टूड. फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड पावर्स है. तो सवाल यह आता है कि जीएसटी लॉ जो है वो कौन बनाएगा, सेंट्रल बनाएगा, स्टेट बनाएगा, या सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे? देखते आगे आगे होगा और फिर इंट्रा होगा तो कैसे होगा, इंटर होगा तो कैसे होगा? इंट्रा में सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाएंगे क्या? इंटर में अगर एक ही बन रहा है तो कौन बनाएगा? अरे आया ना, ये हमें समझना है. ओके ये हमें फेडरल स्ट्रक्चर में समझना है क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है. तो भाई साहब ये बैकग्राउंड था कि आने वाला जो एक सवाल था आपका कि सर ऐसा क्यों किया गया कि इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐसे दो एक्ट है और इंटर में एक ही एक्ट है, कौन सा? आईजीएसटी. उसका रीजन जानने के लिए ये तीन आर्टिकल आपके पास होना जरूरी है. एग्जाम में सिंपली अगर पूछा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पूछेंगे, आर्टिकल पूछेंगे, पूछा तो ठीक है. एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आर्टिकल 245 जो लिस्ट प्रोवाइड करता है. अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी. जीएसटी कहा जाता है वन नेशन एंड वन मार्केट. अब देखेंगे जीएसटी कैसे आया, ओके कैसे लाया गया, और जीएसटी जो है ओके इसका जन्म कैसे हुआ, और इसको क्या कहते हैं, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट. पर सर ये क्यों कहते हैं इसको कि जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स मार्केट, देखेंगे टुमारो शार्प एट 7:30. टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सभी बंधनों को तोड़ के आना है. आज यही रुकते हैं, आज यही रुकते हैं. ओके सेशन हम कल कंटिन्यू, पर कल का सेशन मिस नहीं करना है क्योंकि कल मैं आईटीसी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा. समझ में आया क्या? कल हम आईटीसी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो मिलते हैं कल शार्प एट 7:30, ठीक है. आपका तो एक मिनट, आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो रुक जाओ, सारे डाउट्स लिख के रखो, मैं लूंगा जरूर. आज का सेशन यहीं रोकते हैं, कल लेंगे. डन, कल लेते हैं, कल लेते हैं, कल लेते हैं. चलो बेटा ऑनलाइन में आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए वो कर लेता हूँ. थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. ओके सो टुमारो शार्प एट 7:30. बाय बोलो बच्चों. वो तो बेटा आरआर रिवीजन में मिल जाएगा ना आपको. सुपर 30 अभी अपलोड होने वाला है. स्टॉप करो. अभी आपका लेक्चर नहीं है ना? नहीं सर, जीएसटी थ्योरी है, प्रैक्टिकल, मोस्टली प्रैक्टिकल है, प्रॉपर थ्योरी है. जो सीएमए इंटर स्टूडेंट है तो उनको कस्टम्स जो है, जीएसटी तो सेम है, कस्टम्स जो है एडिशनली उनको वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे.
चलिए जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, ओके बाय बेटा, कल मिलते हैं। आपका ऐप का कोई प्रॉब्लम होगा तो कल, अभी तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कल जो है आप आखिरी में मेरी टीम कनेक्टेड रहेगी 15 मिनट। आपका ऑर्डर आईडी, आपका प्रिफरेबल टाइम आप दे दीजिएगा, या आपका ऑर्डर आईडी अभी भी देख सकते हो, मैं लिख लेता हूँ उसका। आपका ऑर्डर आईडी अभी भी दे सकते हो, पेन गया। वन वन एट टू टू फोर। याच्यावर ऑर्डर आय डी येत आहे, ते बघून लिहून घ्या सगळं, याच्यावर जे पण ऑर्डर आय डी आहे। थँक्यू सो मच। अभी तो स्टार्ट आहे, आगे देख क्या होतं। थँक्यू। 20 डेज वो लूंगा ना आगे। Thank you so much.